हेलो गाइस, माय नेम इज़ जैद खान। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग ट्यूटोरियल जो हमारा होने वाला है ट्विटर क्लोन। तो आज अपन ट्विटर का क्लोन बनाने वाले हैं जिसका डेमो आपने देख ही लिया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसके अंदर जितनी भी इमेजेस वगैरह यूज़ हुई है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर लो, फिर अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने डाउनलोड कर लिया होगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक फोल्डर ले रखा है मैंने ट्विटर क्लोन नेम से। इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओपन विद वीएस कोड। ओके कूल, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके तो इसके अंदर मैंने तीन फाइलें ले रखी हैं, एचटीएमएल, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। ओके एचटीएमएल में मैंने ज़्यादा कुछ कर नहीं रखा। इसमें एक मैंने फैब आइकन लगा रखा है और यहाँ पे एक स्टाइल को कनेक्ट कर रखा है, नीचे जावास्क्रिप्ट को। ओके स्टाइल में मैंने स्टाइल को रीसेट कर रखा है और जावास्क्रिप्ट अभी कुछ नहीं है इसके अंदर, इसमें अपन आगे वर्क करेंगे। ओके तो मैं इसको ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ गो लाइव करके। ओके कूल, और इसको हमेशा की तरह मैं छोटा कर लेता हूँ और इसको मैं इतना आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने जूम कर लिया तो ये आपको ठीक दिख रहा होगा। ओके चलो इतना ठीक है, आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके तो इसके अंदर सबसे पहले अपन लेंगे हेडर, कूल। और जो ये वेबसाइट है इसका फ़ॉन्ट कौन सा होने वाला है, कि अगर या तो अपन जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है जो इसके अंदर अपन जो भी टाइप करेंगे, जैसे कुछ भी टाइप कर लो तो ये वाला फ़ॉन्ट है, एक अपन कस्टम फ़ॉन्ट ले सकते हैं तो वो अपन पोप गूगल फ़ॉन्ट से लेंगे जिसका नाम नेम है पोपेंस। तो गूगल गूगल फ़ॉन्ट पोपेंस। ओके तो ये हमारा ओपन हो चुका है। और इसके अंदर जो फ़ॉन्ट चाहिए अपन को, तो अपन को ये थिन वाले तो चाहिए नहीं ज़्यादा, तो और इटैलिक वाला भी नहीं चाहिए, तो अपन क्या करेंगे 200 से लेंगे एक्स्ट्रा लाइट। ओके इटैलिक को नहीं लेंगे अपन। ओके इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इटैलिक वाला नहीं चाहिए, ये वाला चाहिए, फिर इसको छोड़ देंगे ये वाला, ऐसे करके अपन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे। ओके कूल, इसको भी, और 900 का एक और है। ओके तो ये हमारे लगभग 900 तक है। और यहाँ पे रेड डॉट आ चुका है, जैसे ही अपन सेलेक्ट करेंगे इसको तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से अपन इम्पोर्ट वाला लिंक ले लेंगे स्टाइल का, इसको कॉपी करके अपन अपनी स्टाइल शीट में टॉप पे डाल देंगे। ओके कूल, और इसके अंदर अपन बॉडी लेंगे, बॉडी, और बॉडी के अंदर जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो डाल देंगे, तो फ़ॉन्ट फैमिली जस्ट इसके नीचे है, कॉपी, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे डाल दो। अगर आपको ये फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई दूसरा भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करो तो आपके पास बहुत सारे फ़ॉन्ट आ जाएंगे, तो आप इनमें से कोई भी फ़ॉन्ट चूज कर सकते हो। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे कुछ आपका प्रीव्यू दिखाएगा अपना, बाकी अपन इसको सेलेक्ट करके अपन डाल सकते हैं उधर भी। ओके तो ऐसे अपन अलग भी फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो हमारा काम हो गया, अपन ने एक फ़ॉन्ट ले लिया। ओके तो हमारा सबसे पहले क्या था इसके अंदर, एक हेडर। तो इसकी मैं पोजीशन रिलेटिव कर लेता हूँ और विड्थ अपन कर लेते हैं 100% और हाइट मैं कर लेता हूँ इसकी 100 VH, जो इसकी स्क्रीन की हाइट है वो वाली। तो मतलब ये किसी भी, अपन इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो कोई भी डिवाइस होगी तो उसमें एडजस्ट कर लेगा, उसकी जितनी स्क्रीन होगी उसको ही ये लेगा, बाकी इसको बड़ी छोटी से कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके बाकी अपन इसके अंदर बैकग्राउंड ले लेते हैं, वाइट का कुछ ग्रे टाइप लेंगे थोड़ा, तो F4F@FB। ओके अभी ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ज़्यादा, तो अपन व्हाइट का कोई बॉक्स लेंगे तो उसके अंदर आपको ये दिखाई देगा। ओके चलो, ओके हो गया। तो अभी हमारे पास हेडर है, तो इसके अंदर अपन क्लोन बनाने वाले हैं। तो इसके अंदर कोई चीज़ अपन को राइट में भी चाहिए, कोई अपन को लेफ्ट में भी चाहिए, तो अपन उसको चेक करते हैं कि कैसे इसको एडजस्ट करेंगे तो रिस्पॉन्सिव करें तो तब दिक्कत ना हो। तो मेरे पास जो अपन बनाने वाले हैं उसका डिज़ाइन है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ओके तो इसमें जो ये मेन्यू वाला सेक्शन है जो अपन लेफ्ट साइड में लेंगे, बाकी को पूरे को अपन राइट में लेंगे। तो अपन इसके अंदर दो बॉक्स बना लेते हैं,
ओके, तो इसके अंदर मैं एक बना देता हूँ एच साइड, और सेकेंड वाला मैं बना लेता हूँ सेक्शन। कूल, इनको स्टाइल करते हैं, हेडर एच साइड। ओके, तो एच साइड को मैं विड्थ दे रहा हूँ 15%, हाइट जितनी हेडर की टोटल है उसकी 100%। ओके कूल, साथ ही मैं इसको बैकग्राउंड दे देता हूँ वाइट। ओके, तो अभी ये नीचे वाला भी बैकग्राउंड अपन को दिखने लगा है। कूल, और साथ ही मैं इसमें एक पैडिंग भी दे देता हूँ कि जो भी कंटेंट स्टार्ट हो, जैसे इमेज में देखो कुछ जगह लेफ्ट में छोड़ रखी है, कुछ जगह टॉप में, तो यहाँ पे अपन भी पैडिंग छोड़ देंगे। तो अपन लगभग पैडिंग टॉप पे अपन 15, राइट में कोई ज़रूरत नहीं है तो 0 पिक्सल, बॉटम में भी अपन जो टॉप में रखी उतना ही रख लेते हैं 15, और लेफ्ट साइड में मैं इन दोनों की डबल रख लेता हूँ 13 पिक्सल। ओके कूल, और इसके बाद हमारा सेकेंड बॉक्स था सेक्शन। ओके, तो इसमें मैं पोजीशन रिलेटिव रखता हूँ। कूल, और विड्थ अभी मतलब पीछे वाले में अपन ने लिए 15, बाकी बची कितनी 85, तो 85 ले लेते हैं। हाइट, हाइट 100%। ओके कूल, अभी ये वाला तो दिख रहा है, लेकिन इसको भी मैं एक कोई बॉर्डर दे देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, चलो ग्रीन दे देते हैं। ओके, तो ये नीचे की तरफ आ रखा है, तो ये अपन को इसके सामने चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, जो हेडर है उसमें अपन डाल देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके कूल, तो ये यहाँ पे आ गया, बाकी अपन इसका बॉर्डर हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं अभी। ओके ओके, इतना होने के बाद अपन एस साइड को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर सबसे पहले अपन एक डालेंगे लोगो, तो ए डॉट लोगो। ओके, यहाँ पे मैं हैशटैग डाल देता हूँ, और मुझे एक आइकन चाहिए जो ट्विटर का आइकन है। ओके, तो मैं एक आइकन ले लेता हूँ। तो आज अपन बूस्टअप ना यूज़ करके, बूस्टअप आइकन ना यूज़ करके अपन फॉन्ट ऑसम यूज़ करने वाले हैं। ओके, क्योंकि उसमें कई एडवांस आइकन्स भी हैं, तो वो भी अपन आज इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो मैं फॉन्ट ऑसम वर्जन 5 पे चला जाता हूँ। ओके, ओके कूल, तो अपन को कौन सा चाहिए, ट्विटर। ओके सेलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे आप वर्जन देख लो कौन सा है, 5.15। ओके, तो उसका अपन को शीडन भी चाहिएगा, तो वो अपन ले लेंगे, तो यहाँ पे डाल देंगे इसको। बाकी मैं इसको थोड़ा छोटा ही कर लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा पता चले। ओके कूल, तो अभी तो ये दिखाई नहीं देगा, तो CDN अपन कहाँ से लेंगे, अपन टाइप करेंगे CDN JS। तो यहाँ पे आप जितनी भी CDNs हैं वो यूज़ कर सकते हो, इसमें लगभग 4000 के लगभग इसके अंदर CDNs हैं। तो अपन को कौन सी चाहिए, फॉन्ट ओसम, फॉन्ट ओसम। ओके, फर्स्ट वाले को सेलेक्ट कर लो, इसके अंदर इसके जितने भी वर्जन है वो मिल जाएंगे अपन को। तो अपन को कौन सा चाहिए, 5.14, 7, वन फोर वाला ये है, एक बार चेक कर लेते हैं, 15.4 वाला चाहिए। ओके चलो वो ले लेते हैं। दो ये वाला, ओके, तो टॉप वाले को अपन ले लेंगे सेलेक्ट, इसको डाल देंगे ऊपर, ले जाएंगे थोड़ा CSS के जस्ट। ओके, तो अपन को आइकन मिल गया। चलो इतना होने के बाद इसको बड़ाई कर लेता हूँ। कूल, तो हेडर, हेडर के अंदर एच साइड, एच साइड में डॉट लोगो। तो फॉन्ट साइज अपन इसकी रखने वाले हैं 13 पिक्सल, चलो ओके। और कलर रख लेते हैं अपन इसका H1CA1F1।
ओके चलो, हमारा आइकन तो हो गया रेडी। इसके बाद अपन लिस्ट रखने वाले हैं, जो मेन्यू हमारा होम एक्सप्लोर नोटिफिकेशन वाला, तो इसको सिलेक्ट करते हैं अपन। तो इसके अंदर अपन अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे, लिस्ट आइटम्स, एंकर टैग। ओके, इसमें जो आइकन चाहिए वो ले लेते हैं। पहला अपन हाउस वाला लेंगे। ओके, हाउस वाले में अपन कौन सा लें इसमें? अगर इसके अंदर अपन आपको अगर पसंद नहीं आ रहा कोई भी मतलब आइकन, तो अपन एक फ्री में और भी यूज़ कर सकते हैं, जो वर्जन है 6.2.0। ओके, तो अभी कुछ और अपन को आइकन्स मिल जाएंगे नए। ओके, तो ये वाला मुझे अच्छा लगा, इसको ले लेते हैं कॉपी, इसको डाल देंगे। बाकी ये आइकन भी शायद मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, नहीं दिखा, तो इसके लिए भी अपन को एक सी डी एन की ज़रूरत होगी। तो ये वर्जन कौन सा है? 6.2.0, तो इसको भी सी डी एन ले लेते हैं। जो लास्ट वाला है, ये वाला कॉपी लिंक, इसको भी जस्ट यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो अपन को आइकन मिल गया। इसके बाद ओके, अभी लगभग अपन को आइकन मिल जाएंगे। सेकेंड चाहिए अपन हैशटैग का, हैशटैग। ओके सेव। इसके बाद अपन लेने वाले हैं नोटिफिकेशन बेल, तो बेल में अपन ले लेते हैं कि अपने क्या टाइप कर दिया बेल। ओके, ये वाला ठीक है, कॉपी, इसको भी अपन डाल लेते हैं इसके अंदर। बाकी इसके बाद अपन को मैसेज का चाहिए, तो मैसेज वाला देख लेते हैं कौन सा है इसमें, ये वाला ही है। ओके, इसके बाद ज़रूरत है हमें बुक मार्क। ओके कूल, बाकी चेक करते हैं कौन सा है इसमें, लिस्ट। ये वाली लिस्ट तो भाई दिखाई नहीं दे रही इसके अंदर तो। ये वाली, ओके ओके, बाकी कौन सा है इसके बाद? प्रोफाइल और मेन्यू। फाइल, मेन्यू, ओके, तो हमारे लगभग आइटम आ चुके हैं। ओके कूल, तो लगभग आइटम हमारे आ चुके हैं, तो इनको स्टाइल कर लेते हैं। ओके, इससे पहले भी ऐसे करते हैं, इनके जो नेम्स हैं वो भी डाल लेते हैं साथ ही। फर्स्ट वाले का होम था और सेकंड वाले का एक्सप्लोर नोटिफिकेशन। ओके, क्या भाई गलत कर दिया इसमें? ओके नो प्रॉब्लम, मैसेज। बाकी इसके बाद था बुक मार्क,
लिस्ट, प्रोफाइल और लास्ट हमारा मोर का। ओके, तो नेम वगैरह भी अपन को मिल चुके हैं। ओके, इसको मोर को यहाँ पे डालना है। चलो कूल। ओके, अभी स्टाइल करते हैं। इसके अंदर हमारा था एनोडेड लिस्ट, तो लिस्ट स्टाइल टाइप नन, जिससे डॉट हट जाएंगे। ओके, और मार्जिन दे देते हैं टॉप से, तो मार्जिन टॉप से देते हैं इसको कितना 50 पिक्सल दे देते हैं। चलो कूल। फिर इसके अंदर लिस्ट आइटम पैडिंग देते हैं, पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम से 10 और लेफ्ट राइट से 0। और फिर एक मार्जिन टॉप भी दे देते हैं अलग से, तो वो अपन 10 पिक्सल दे देते हैं। ओके कूल, तो ये अच्छा दिख रहा है। इसके बाद है हमारा एंकर टैग। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन वो तो अपन नन करने वाले हैं, बाकी जो कलर है इसका वो अपन RGB 0 0 0, तो ये ब्लैक हो गया, और ब्लैक की अपन ओपसिटी डाउन कर देंगे, तो 0.5 कर देंगे। चलो कूल। ओके, फ़ॉन्ट साइज अपन इसकी 16 रख लेते हैं। फ़ॉन्ट वेट 500। चलो कूल। और साथ ही अपन आइकन्स वैसे तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो ठीक है। इसको मैं कर भी लेता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ओके, अभी ये लगभग सभी सेंटर में आ चुके हैं। और एक ट्रांजिशन रख लेते हैं 0.3 सेकेंड लीनियर। ओवर करेंगे तब ये क्या होगा, इसको कौन सा कलर दें अपन, जो आइकन वाला हमारा, जो ट्विटर का आइकन वाला, वो वाला दे देते हैं, तो कलर इसका हो जाएगा। ओके कूल। साथ ही थोड़े आइकन को भी सेट कर देते हैं। ओके, तो मार्जिन राइट अपन दे देते हैं 10 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज इसकी थोड़ी बढ़ा देते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, तो इसकी 20 कर देते हैं। चलो कूल। लिस्ट वाले में कुछ दिक्कत है। ओके, ये भी अपन ने गलत जगह डाल दिया, इसको डालना है इसके बाद। ओके चलो कूल। ट्रांजिशन देख लेते हैं, चलो ट्रांजिशन भी सेट है। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद तो एक काम ये करते हैं अपन, जो हमारा प्रोफाइल है उसको अपन एक्टिव करवा देते हैं। अभी एक्टिव का मतलब अभी सेलेक्ट हो जाएगा ये, कि मतलब ये ओन अभी, तो नंथ चाइल्ड ये 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर पे है, तो इसको 7 सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इसमें क्या चाहिए, बॉर्डर राइट। तो बॉर्डर राइट अपन लेते हैं 3 पिक्सल सॉलिड। ओके, तो ये वाला मिल गया। बाकी साथ ही अपन जो हमारा एंकर टैग है उसका कलर भी अपन ये वाला ही ले लेते हैं। चलो कूल, ये हो गया। इसके बाद एक बटन लेते हैं इसके अंदर अपन, जस्ट यूएल के बाद
इसमें डालते हैं अपन ट्वीट। ओके तो इसको करते हैं पी। एच साइड में बटन। ओके तो मार्जिन टॉप, सबसे पहले तो मार्जिन टॉप अपन लेते हैं 14 पिक्सल। कूल। और पैडिंग ले लेते हैं अपन इसकी 10 पिक्सल और लेफ्ट और राइट से 50। ओके साथ ही बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल। इसका बॉर्डर हटा देते हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए अपन को। तो नन। इस पर क्लिक करने पे जो एक आउटलाइन आती है वो भी नहीं चाहिए। ओके और इसका अंदर से कलर ले लेते हैं अपन वाइट वाला। और बैकग्राउंड अपन इसका कर लेते हैं जो ट्विटर का आइकन का है वो वाला कलर। तो चलो कुल ये लगभग सेट हो गया। ओके साथ ही अपन ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड लीनियर। चलो ओके कूल। इस पे अपन कर्सर भी ले लेते हैं साथ ही, कर्सर पॉइंटर इस पे होवर करवाते हैं। तो अपन क्या करते हैं जो ये कलर है इसकी ओपसिटी को थोड़ा डाउन कर देंगे जैसे ही कर्सर जाएगा इसके ऊपर। तो इसके लिए अपन आरजीबी वाला चाहिए अपन को, कोमा पॉइंट इसको कितना करें 5। 5 ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। ओके कूल। तो ये हमारा एच साइड वाला तो लगभग कंप्लीट हो चुका है। ओके तो अभी अपन राइट साइड में आएंगे सेक्शन में। ओके इसको बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए इसमें, नेविगेशन बार तो वो डाल लेते हैं इसके अंदर नेव। ओके नेविगेशन बार चाहिए तो नेविगेशन बार अपन विड्थ और हाइट इसकी सेलेक्ट करते हैं पहले। तो हेडर सेक्शन, सेक्शन में नेव विड्थ इसकी अपन करते हैं 100% और हाइट अपन कर लेते हैं 8%। बैकग्राउंड वाइट। चलो ओके और साथ ही इसके अंदर जो आइटम्स आएंगे वो भी एक लाइन में आएंगे और वो और उनकी जो पोजीशन होगी वो एक की लेफ्ट में, एक की राइट में, एक की सेंटर में, जैसे इमेज में है ये दोनों, मतलब लेफ्ट साइड ये राइट और बीच में हमारा सर्च बार रहेगा। तो डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देते हैं इसके अंदर। अलाइन आइटम सभी सेंटर में चाहिए और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके कूल। चलो ओके तो डाल देते हैं इसके अंदर एल यूएल लेते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट एल आई एंकर टैग। तो एक हमें चाहिए अबाउट और सेकेंड वाला हेल्प, ये दोनों आ गए। बाकी एक अपन को चाहिए ड्यू डॉट सर्च बार। इसके अंदर एक इनपुट और प्लेस होल्डर इसका अपन रख लेंगे सर्च ऑन ट्विटर। ओके कूल। और आइकन चाहिए वो अपन यहाँ से ले लेंगे सर्च। ओके वो जस्ट इसके ऊपर डाल देंगे। ओके तो आइकन वगैरह भी अपन को मिल गए। और इसके बाद लास्ट वाला हमारा क्या है, यूजर ड्यू डॉट यूजर। ओके तो H6 है जाइद। ओके तो लगभग सेट हो गए अपनी जगह पे ये तीनों।
और साथ ही अपन एक इमेज भी लेने वाले हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। नहीं, वो इसके अंदर ही चाहिए। तो अपन यहाँ पे ले लेते हैं इमेज। चलो ओके, तो अभी इनको स्टाइल करते हैं। नेविगेशन बार में सबसे पहला हमारा है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओके। तो सेम लिस्ट स्टाइल नन, कूल। और डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम्स हैं वो सेंटर, इनका हो गया। और बाकी जो एलाइज हमारे, उनमें अपन कुछ पैडिंग दे देंगे। पैडिंग टॉप से 3 पिक्सल दे रहा हूँ और राइट साइड से 25, बॉटम से 3 और लेफ्ट से कोई ज़रूरत है नहीं। चलो ओके, ये भी सेट हो गया। इसके बाद एंकर टैग, ओके। तो एंकर टैग को अपन डालते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन इसके नन, बाकी फ़ॉन्ट साइज है वो 12 पिक्सल ले लेते हैं। और बाकी फ़ॉन्ट वेट इसका 600, और कलर अपन इसका ब्लैक रखेंगे। बाकी ट्रांजिशन जो होवर के लिए चाहिए तो वो 3 सेकेंड लीनियर, ओके कूल। अभी साथ ही इसमें ट्रांजिशन भी डाल देते हैं, होवर होवर ओके। तो कलर अपन इसमें ग्रे कर देते हैं इसका सीधा ही, ओके। चलो कूल, ये तो हो गया सेट। इसके बाद हमारा क्या है, सर्च बार, तो उसको सेट करते हैं। सर्च बार में सबसे पहले तो विड देते हैं एक 50%, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम्स सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट वो भी सेंटर। वैसे तो ज़रूरत है नहीं इसकी। चलो ओके, चलो डाल ही देते हैं, सेंटर ही है वैसे तो, ओके। अभी इसके अंदर क्या करते हैं अपन, एक बैकग्राउंड देते हैं। बैकग्राउंड इसको मैं दे देता हूँ वाइट, चलो वाइट तो रहने दो, ये वाला दे देते हैं F7F8, चलो 7 डाल देते हैं इसको। चलो ओके, और साथ ही पैडिंग, पैडिंग अपन इसको देते हैं 8 पिक्सल, टॉप और बॉटम से और लेफ्ट राइट से 15, ओके कूल। बॉर्डर रेडियस अपन इसको दे देते हैं 5 पिक्सल, चलो ओके, अच्छा दिख रहा है। और इसके बाद जो हमारा इनपुट है, इसके अंदर तो बस जो इन खेल है वो इनपुट का ही है, इनपुट को सेट करना अपन को बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। इनपुट को अपन एक विड दे देंगे इसको, जितनी मतलब 90% किसकी देने अपन, जो सर्च बार की टोटल है ना, जो 50% अपन ने की है उसका 90%, तो ओके ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलो कूल, इतना होने के बाद इसमें भी पैडिंग देते हैं टॉप से और बॉटम से 3 पिक्सल और बाकी लेफ्ट राइट से 15, ओके कूल। ये होने के बाद बॉर्डर नहीं चाहिए अपन को और आउटलाइन भी नहीं चाहिए, इतना हो गया। और इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसकी फ़ॉन्ट साइज अपन कर देते हैं 12 पिक्सल, और जो इसके अंदर बैकग्राउंड है वो भी नहीं चाहिए, तो बैकग्राउंड रह गया इसका, तो वो अपन कर देते हैं, वो भी चलो नन्ही कर देते हैं सीधा ही, ओके। तो ये हमारा सर्च बार भी लगभग कंप्लीट हो गया, ओके। लास्ट हमारा फिर क्या बचा इसके अंदर, चलो ओके, इसके अंदर ऐसे करते हैं
एक BI भी है इसके अंदर, जो आइकन हमारा वो उसकी फॉन्ट साइज को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, उसको कर देते हैं 14। ओके ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा था यूजर। ओके तो इसके अंदर सबसे पहले तो देखो ये जस्ट ऊपर की तरफ चला गया, ये इसलिए चला गया क्योंकि इसके अंदर टू आइटम्स हैं। जैसे जो हमारा सबसे पहले जो ये था ना अनऑर्डर लिस्ट वाला अबाउट और हेल्प, उसी तरह ऊपर नीचे आ गए। तो इसको भी अपन पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे और अलाइन आइटम को सेंटर करेंगे, अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके अभी कूल है। ओके इसके बाद इसके अंदर H6 था जो हमारा यूजर यूजर नेम है वो वाला, तो उसका वैसे तो सब कुछ ठीक है, उसको कोई ज़रूरत है नहीं। ओके तो इमेज अपन एक इमेज लेने वाले हैं, चलो मैं एक इमेज ले लेता हूँ इसके अंदर IMG यूज़र 1। चलो ये वाली नहीं, यूज़र डॉट PNG ये वाली ले लेते हैं। ओके कूल। ओके तो इसको सेट करते हैं अपन। तो इसमें सबसे पहले मार्जिन चाहिए लेफ्ट से, जो हमारा यूजर नेम है उससे थोड़ा मार्जिन चाहिए अपन को, तो अपन 10 पिक्सल ले लेते हैं, 10 पिक्सल। ओके कूल। बाकी विड्थ 30 पिक्सल, वेट 30 पिक्सल और हाइट भी 30 पिक्सल। ओके यहाँ पे H6 ना डाल के अपन डालेंगे इसमें इमेज। ओके कूल। बॉर्डर रेडियस अपन डाल देते हैं 50%। चलो हो गया हमारा काम। और ऐसे करते हैं अपन जो हमारा नेविगेशन बार है उसमें अपन पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट और राइट साइड से। ओके तो हमारा नेविगेशन बार बटन नेविगेशन बार, तो पैडिंग देते हैं ऊपर नीचे से 0 और लेफ्ट राइट से 5% दे देता हूँ मैं इसकी टोटल विड्थ का। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ओके और इसके बाद इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेने वाले हैं अपन, जो वॉलपेपर होता है वो, तो वो अपन इसमें ऐसे लेंगे जो सेक्शन है उसमें बिफोर ऐड कर लेंगे अपन बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि वो अपन को सेक्शन के अंदर ही चाहिए। ओके तो कंटेंट 0 मतलब इम्पटी, और पोजीशन अपन इसकी एब्सोल्यूट रख लेते हैं, बाकी विड्थ है वो 100%, हाइट इसकी अपन पोस्टर की लेते हैं कितने ले 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड हमारा URL। ओके तो इमेज VG1.png, नो रिपीट कि मतलब बैकग्राउंड रिपीट भी ना हो, अगर छोटा हो जाए तो भी स्क्रीन में, सेंटर में रहे और सेंटर कवर कवर डाल देते हैं साथ ही। ओके कूल। तो ये लगभग सेट हो गया। तो अभी अपन क्या करेंगे कि जितनी अपन ने नेविगेशन बार की जो हाइट ली है वो देखते हैं, पहले कितनी ली अपन ने 8%, तो अपन टॉप 8 डाल देंगे इसके अंदर, तो ये इतनी जगह छोड़ के नीचे आ जाएगा टॉप 8%। ओके कूल। तो ये लगभग सेट हो गया। बाकी अपन इसके अंदर एक बॉर्डर रेडियस भी डालते हैं, बॉर्डर रेडियस टॉप से नहीं चाहिए और राइट से भी नहीं चाहिए, जो बॉटम राइट है यहाँ से इसको थोड़ा कवर करेंगे अपन, इसको थोड़ा घुमा देंगे, किधर गया, कितना लगभग इसको मैं लेता हूँ
20 पिक्सल ले लेते हैं, और जो लेफ्ट वाला वो नहीं चाहिए। ओके कर्व हो गया थोड़ा, चलो ओके। थोड़ी सी ओपसिटी इसकी वो भी डाउन कर देता हूँ मैं, 0.9। ओके तो ये लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब। ओके तो ये हमारी इमेज तो लगभग ये यहाँ तक कवर हो गया। अभी अपन को जो सेंटर वाला बॉक्स हमारा उसकी ज़रूरत है। ये तीनों चीज़ें अपन एक ही बॉक्स में लेने वाले हैं, तो वो बॉक्स अपन डाल लेते हैं। इसको मैं थोड़ा बड़ा ही कर लेता हूँ अभी। ओके तो हेडर, हेडर में सेक्शन, सेक्शन में अपन ये लेने वाले हैं। ओके ओके पहले तो अपन एचटीएमएल में डाल देते हैं, नेविगेशन के जस्ट बाद ड्यू डॉट। इसके अंदर क्या क्या ज़रूरत है, एक तो प्रोफाइल वाला, एक पोस्ट सेक्शन है हमारा, एक फॉलो वाला सेक्शन है, तो तीनों के नेम डाल लेते हैं इसमें। प्रोफाइल, पोस्ट और फॉलो, लास्ट में मैं डाल देता हूँ बी एक्स बॉक्स। ओके जिससे ये पता रहे कि कौन सा कहाँ पे है। ओके कूल, इसको सेट करते हैं अपन, इसको विड्थ वगैरह अपन इसकी सेट करते हैं। ओके तो सबसे पहले इसमें पोजीशन रिलेटिव, और टॉप से मैं इसको ले लेता हूँ, कितना लें अपन इसको, 18% ले लेते हैं। बाकी विड्थ इसकी रखेंगे अपन 100%। ओके और हाइट लगभग 73% रखने वाले हैं, और जैसे एडजस्ट कर लेंगे अपन इसको, थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो। चलो ओके इसमें मैं एक बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। ओके ये वाला आ गया, वैसे तो बिल्कुल ठीक आई है नीचे तरफ। ओके तो इसके अंदर जो हमारे बॉक्स हैं वो कैसे आने वाले हैं, एक बॉक्स तो ये, फिर जस्ट इसके आगे, फिर जस्ट इसके आगे, तो डिस्प्ले फ्लेक्स की तो ज़रूरत होगी, तो वो अपन पहले ही डाल देते हैं इसमें, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स, सेंटर डाल देते हैं। चलो सेंटर की ज़रूरत नहीं, टॉप ही चाहिए ये, तो चलो इसको हटा देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट उसको अपन सेंटर में ले लेते हैं। चलो कूल ओके। ये होने के बाद सबसे पहले अपन इसके अंदर एक बॉक्स लेते हैं, ड्यू डॉट प्रोफाइल बॉक्स। ओके जो प्रोफाइल बॉक्स हमारा ये वाला बॉक्स। ओके अभी देखो, एक तो ये बॉक्स है, इसके अंदर फिर एक ये वाला बॉक्स है ऊपर, फिर इसके बाद एक ये वाला बॉक्स है, ये चारों एक के अंदर है और ये एक के अंदर है। ओके तो ऐसे एडजस्ट करेंगे अपन, पहले एक बॉक्स जो अपन ने अभी लिया प्रोफाइल बॉक्स, फिर इसके अंदर लेंगे प्रोफाइल कार्ड, ये कार्ड बन जाएगा, फिर ये एक्टिविटी बॉक्स बना देंगे नीचे एक, ये तो ऐसे एडजस्ट करेंगे जिससे ये काफ़ी ठीक रहेगा, इजी भी रहेगा। ओके तो प्रोफाइल बॉक्स अपन ने ले लिया, तो इसको सेट करते हैं सबसे पहले। तो प्रोफाइल बॉक्स, ओके तो प्रोफाइल बॉक्स में सबसे पहले तो विड्थ की ज़रूरत है, तो इसको मैं 250 दे देता हूँ, और हाइट अपन इसको कर देते हैं ऑटो, जितने की ज़रूरत है उतनी ले लो। ओके तो ये लगभग हो गया कंप्लीट, साथ ही इसमें भी एक बॉर्डर डाल देते हैं। चलो एक बॉर्डर ऐड कर दिया इसमें, तो ये यहाँ पे आ गया सेंटर में। अभी मैं इसको एंड में ले जाता हूँ, या शुरुआत में ही ले लेते हैं, फिर इसको अपन सेट कर लेंगे, क्योंकि फिर नहीं दिखाई नहीं देगा इधर। ओके तो ये इस साइड आ गया, इसको वापस ओपन कर देंगे अपन जब अगला बॉक्स आएगा तब। ओके तो लगभग ये यहाँ तक सेट हो गया, तो इसके अंदर अब डालते हैं अपन
एक प्रोफाइल कार्ड, इसके अंदर प्रोफाइल चाहिए, ड्यू डॉट प्रोफाइल कार्ड, ओके इसको सिलेक्ट करो, कॉपी, इसको भी कॉपी और फिर यहाँ पे 10 डाल दो, ओके। अभी सबसे पहले इसमें मैं पोजीशन डालता हूँ इसकी रिलेटिव, कूल, विड्थ जितनी इस बॉक्स की है उतनी टोटल 100%, और हाइट अपन ऑटो जितने की ज़रूरत है उतनी लेंगे। बैकग्राउंड में रखने वाला हूँ इसमें वाइट, ओके, और बॉक्स शैडो रख लेते हैं, बॉक्स शैडो, ओके बॉक्स शैडो अपन रखते हैं इसकी 0 पिक्सल 0 पिक्सल, और ओपसिटी अपन इसकी स्प्रेड और ओपसिटी साथ ही डालते हैं इसके अंदर, तो स्प्रेड डाल देते हैं 30 पिक्सल की, RGB, ओके तो इसको मैं डाल देता हूँ 2, प्रोफाइल बॉक्स प्रोफाइल कार्ड, तो अपन ने क्या डाल दिया इसमें, प्रोफाइल बॉक्स और प्रोफाइल कार्ड, ओके। तो ये दिखाई तो इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि इसमें अभी कुछ है नहीं, जैसे मैं इसकी हाइट कुछ डाल देता तब ये दिखाई देता, ओके जैसे इसके अंदर कंटेंट आएगा तब ये बढ़ता जाएगा, ओके। साथ ही इसमें पैडिंग दे देते हैं, जैसे ये कुछ जगह छोड़ रखी है यहाँ पे ब्लू टिक्स के साइड में भी और ऊपर साइड में चारों तरफ, तो इसके अंदर अपन पैडिंग डाल देते हैं, पैडिंग पैडिंग अपन टॉप से और बॉटम से कितने डालें, चलो टॉप से 50 डाल देते हैं, और राइट से 10 पिक्सल, बॉटम में अपन को चाहिए नहीं 0, क्योंकि क्यों नहीं चाहिए बॉटम में वो दिखाता हूँ आपको। नीचे एक बॉक्स लेने वाले हैं जिसमें हमारे पास कुछ लाइनें होंगी, ओके ये बॉर्डर्स होंगी, तो इसलिए नीचे कोई ज़रूरत है नहीं। राइट के अपन ने ले लिए 10 पिक्सल और लेफ्ट में भी 10 लेंगे, ओके कूल, तो हमारा बॉक्स भी दिखने लगा। और साथ ही इसके अंदर मैं बॉर्डर रेडियस भी ले लेता हूँ जिससे हमारा बॉक्स और भी प्यारा बन जाएगा, 8 पिक्सल, चलो कूल, काफ़ी कूल है, ओके। अभी एक चीज़ और इसके अंदर, चलो पहले अपन इसके अंदर कंटेंट ले लेते हैं फिर वो करेंगे, थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूँ, ओके। तो कंटेंट सबसे पहले इसके अंदर क्या लेने वाले हैं, एक इमेज जिसको मैं क्लास दे देता हूँ ब्लू टिक, ब्लू टिक, ओके ओके, तो ये हमारी आइकन में है, ओके तो हमें एक ब्लू टिक मिल गया। वैसे अपन इसकी क्लास को थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि अपन इस पर डाल देते हैं कि ये कौन से का ब्लू टिक है, तो अपन आगे छोटे भी ब्लू टिक्स लेंगे, तो इसलिए अपन डाल देते हैं PC, तो यानी प्रोफाइल कार्ड ब्लू टिक, ओके। तो इस ब्लू टिक को स्टाइल कर लेते हैं सबसे पहले, और उसके बाद इसके अंदर जितना भी कंटेंट है उसको करेंगे एक साथ, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। बाकी यहाँ पे अपन क्लास डालेंगे ब्लू टिक्स की, ब्लू टिक की, ओके। तो इसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट लेते हैं अपन, टॉप 10 पिक्सल और लेफ्ट से ये चाहिए 10 पिक्सल, ओके। तो ये टॉप लेफ्ट में हो जाएगी अभी, जैसे ये यहाँ पे है, ओके, बाकी कंटेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। और साथ ही मैं इसकी थोड़ी विड्थ को भी एडजस्ट कर देता हूँ, विड्थ इसके अपन करते हैं 15, चलो कूल, ओके। तो ये हो गया, अभी जो बाकी का कंटेंट है वो डाल देते हैं इसमें, ओके। तो मैं एक इमेज और लेता हूँ जो हमारी होगी प्रोफाइल इमेज, तो इसमें डाल देते हैं डॉट प्रोफाइल IMG, इमेज हमारी है यूज़र PNG, ओके कूल।
इसके बाद मैं इसके अंदर एक H5 डालता हूँ जिसमें यूज़र का नेम रहेगा जाहिद खान, और बाकी एक H6 लेते हैं इसके अंदर यूज़र नेम रहेगा जैसे @KDS_Porter। बाकी अपन इसके अंदर एक एड्रेस का डालते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे कुछ सिटी वगैरह थी, यहाँ पे भी इस इमेज में है नहीं, मैंने देखा था। ओके, यहाँ पे एक एड्रेस ठीक है और बाकी यहाँ पे एक ग्लोब है, तो इनको भी एडजस्ट करते हैं अपन। ओके, तो एड्रेस टैग में मैं इनको डाल देता हूँ। ओके, सबसे पहले इसके अंदर अपन क्या लेंगे, एक एंकर टैग, इसके अंदर जो भी लोकेशन होगी उसका लिंक दे सकते हैं अपन। बाकी अपन एक आइकन लेके आएंगे जो है लोकेशन, तो वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं। और बाकी इसके अंदर डाल देते हैं कौन सी सिटी है, जयपुर सिटी। ओके, और साथ ही मैं एक अंकर टैग और लेता हूँ और इसके अंदर मैं वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, तो मैं एक एशिया ग्लोब ले लेता हूँ इसमें, एशिया ग्लोब। ओके, ये वाला ले लेते हैं, चलो। ओके, इसको भी इसके अंदर डाल देते हैं। ओके, अपन को दोनों मिल गए, कूल। और एक अपन एक छोटा सा पैराग्राफ ले लेते हैं इसके बाद, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डेवलपर फोटोग्राफी फोकस्ड ऑन ट्रेवल एंड नेचर कंटेंट। ओके, तो अपन डाल देते हैं डेवलपर फोटोग्राफी, और उसके बाद था कितना फोकस्ड ऑन ट्रेवल एंड नेचर कंटेंट। ओके, कूल, इतना हो गया। पहले अपन इसको स्टाइल कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ब्लूटूथ हमारा हो गया, फिर इसके बाद था प्रोफाइल इमेज, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो पहले तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले तो इस सभी को सेंटर कर लेता हूँ, तो सेंटर के लिए अपन करेंगे इसमें यहाँ पे। ओके, अलाइन आइटम्स जितने भी हैं सेंटर, नहीं 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 इसमें नहीं, जस्ट नीचे वाले में, यहाँ पे पहले तो मैं डिस्प्ले फ्लेक्स डालता हूँ, अलाइन आइटम्स सेंटर, प्रोफाइल बॉक्स कौन सा ले लिया अपन ने इसमें, अच्छा प्रोफाइल कार्ड वाला है, उसके अंदर चाहिए अपन को ये जितने भी चीज़ें, ये वाला है वो। ओके, और जस्टिफाई कंटेंट को भी अपन सेंटर रखते हैं। अभी क्या करते हैं, अभी ये लगभग सेंटर में हो गया, इसको अपन इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, इसको अपन कॉलम कर देते हैं, तो लगभग सभी सेंटर में आ जाएंगे। कूल, इतना होने के बाद जो हमारी इमेज थी इसको कॉपी कर लेते हैं क्लास को, और इस वाली क्लास को हटा के वो वाली डाल देते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर विड्थ अपन इसकी रखते हैं 50, हाइट भी अपन इसकी 50 रख लेते हैं, कूल। और बॉर्डर रेडियस है वो 50% कर देंगे इसकी, चलो। ओके, तो प्रोफाइल तो हमारी सेट हो गई, बाकी इसके बाद क्या था, H5, ओके, तो H5 में अपन सबसे पहले इसका फॉन्ट वेट डाल देते हैं, वैसे तो ये ठीक है, साइज तो इसकी 600, और बाकी मार्जिन दे देते हैं टॉप से
वो लगभग 10 पिक्सल के लगभग दे देते हैं। ओके कूल। इसके बाद मेरे हिसाब से H6 है। ओके H6। H6 का अपन करते हैं कलर चेंज सबसे पहले तो। ओ इसकी ओपेसिटी कितनी करें अपन? 3 कर देते हैं। ओके कूल, काफ़ी ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज इसकी मैं कर लेता हूँ 10 पिक्सल। बाकी जो पैडिंग है इसकी वो रखते हैं अपन 2 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0। ओके इसके बाद हमारा एड्रेस है। एड्रेस तो सबसे पहले तो इनको सेंटर करते हैं सभी को। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। ओके चलो ठीक है। मार्जिन टॉप 8 पिक्सल, चलो ये भी हो गया। इसके बाद इसमें और किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरे हिसाब से ये तो ठीक है। बाकी इनकी आइकन्स वगैरह उनको अपन थोड़ा ठीक कर देते हैं। इसके अंदर था सबसे पहले एंकर टैग एक। ओके एंकर टैग था तो इसमें सबसे पहले टेक्स्ट डेकोरेशन नन। ओके ये हो गया। और इसके बाद जो कलर है अपन इसका ब्लैक रखेंगे और फ़ॉन्ट साइज 11 पिक्सल। बाकी ये जयपुर चींटी इटैलिक स्टाइल में आ रहा है, फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक में आ रहा है, तो इसको पहले तो नॉर्मल कर देते हैं। चलो स्टाइल नॉर्मल नॉर्मल। ओके ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। ओके ओके जो इसके अंदर आइकन्स हैं ओके पहले तो चलो ऐसे करते हैं अपन। सेकंड वाले आइकन को दिक्कत है, फर्स्ट वाले को नहीं है। तो नन्थ चाइल्ड सेकंड सेकंड। ओके ओके दिक्कत। नीचे भी अपन ने कॉपी कर लिया था तो यहाँ पे डालते हैं इसको। तो मार्जिन डाल देते हैं इसमें अपन लेफ्ट साइड बॉटम लेफ्ट। ओके तो इसको अपन 10 पिक्सल डाल देते हैं। ओके 10 पिक्सल। ओके कूल, ये लगभग सेट हो गया। और इसके बाद हमारा एक पैराग्राफ था, पैराग्राफ पैराग्राफ को अपन ठीक करते हैं। सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज पैराग्राफ की 10 पिक्सल कूल। फ़ॉन्ट वेट अपन इसका 600 रखेंगे। ओके और टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर देंगे। टॉप से मार्जिन देंगे थोड़ी 10 पिक्सल के लगभग। और जो पैडिंग है पैडिंग अपन ऊपर नीचे से 0 और लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल। ओके कलर इसका ब्लैक है, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं RGB। इसको मैं कर देता हूँ 8। चलो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक कार्ड कंप्लीट हो गया। लास्ट हमारा क्या है इसके अंदर? ओके ट्वीट्स फॉलोवर्स फॉलोइंग ये वाला बॉक्स है तो इसको करते हैं अपन। ओके तो ये यहाँ तक लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो एक बॉक्स लेते हैं ड्यू डॉट डेटा। ओके और इसके अंदर 3 बॉक्स ले लेते हैं, जो पहला ट्वीट्स का है, सेकंड फॉलोवर और थर्ड फॉलोविंग। तो इसका अपन नेम रखते हैं डेटा कार्ड, डेटा कार्ड रख लेते हैं। ओके 3 फोल्डर कूल।
ओके चलो ये डेटा है, इसको स्टाइल करते हैं। हंड्रेड परसेंट, और तीनों को एक ही लाइन में चाहिए तीनों बुक्स, तो डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम है वो सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तीनों एडजस्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट एक राइट एक सेंटर। ओके और मार्जिन दे देते हैं इसको टॉप से लगभग 10 पिक्सल। ओके चलो इतना हो गया, अभी उन कार्ड को साइज दे देते हैं अपन डेटा के अंदर, डेटा कार्ड, तो 100 का एवरेज निकाल लेते हैं अपन तीनों का, तो आएगा 33.33। ओके कूल, ओके ये भी एडजस्ट हो गया। इसके बाद यहाँ पे अपन को बॉर्डर चाहिए, तो अपन जो सेकेंड वाला है उसके लेफ्ट और राइट का बॉर्डर दे देंगे, ठीक है, बाकी किसी की ज़रूरत है नहीं, तो इसमें अपन यूज़ कर लेते हैं लोअर लेंथ चाइल्ड सेकेंड। तो इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर लेफ्ट, ओके तो बॉर्डर लेफ्ट अपन रखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड आरजीबी 1, और एक अपन राइट का ले लेते हैं इसमें राइट। ओके तो जैसे इसके अंदर अपन कंटेंट डालेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ओके तो इसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, अभी कंटेंट वगैरह डालेंगे, तो चलो डाल लेते हैं, पहले एक में डाल लेते हैं किसी एक में, तो एक पैराग्राफ लेते हैं जिसमें ट्वीट ट्वीट्स, ओके ट्वीट्स बाकी, और इसके ट्वीट्स हैं कितने टोटल, 857। ओके ये एडजस्ट हो गया, बाकी तीनों में चीज़ें यही डालनी है, कॉपी दिक्कत हो गई। ओके इनको चेंज कर देते हैं बस, फॉलोवर्स और फॉलोइंग, ओके तो ये लगभग ठीक है। इसके अंदर फॉलोवर्स डाल देते हैं अपन 11.2K, बाकी इसमें कुछ रैंडम डाल देते हैं 243। ओके चलो कूल, तो आप इसी प्रकार मुझे भी कर लेना इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो, यही है मेरा यूज़र नेम है @KDScoder, वहाँ पे मैं जो मतलब वीडियोस वगैरह आती हैं उनके डिटेल्स वगैरह देता रहता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी होते हैं तो वो भी मैं उधर बताता रहता हूँ, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना साथ ही, मुझे भी अच्छा लगे, फिर मैं आगे अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँगा और भी ज़्यादा। तो चलो हमारा ये इतना कंप्लीट हो चुका है, बॉर्डर हमारे दोनों आ चुके हैं, अभी इनको क्या करते हैं अपन सेंटर में कर देते हैं सभी को, तो इनका लगभग काम हो जाएगा। फिर सेंटर में करने के लिए अपन चलो इसमें क्या करते हैं कि जो पैराग्राफ है उसकी टेक्स्ट लाइन को सेंटर कर देते हैं, जो अपन ने इसके अंदर यूज लिए पी, ओके और कोमा H4, दो चीज़ें यूज लिए डेटा कार्ड में, तो इनमें जो मेन चीज़ें हैं वो तो डाल ही देते हैं, टेक्स्ट अलाइन है उसको सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे सभी। ओके कलर सभी का सेम ना रख के अपन थोड़ा अलग रखने वाले हैं, तो ट्वीट्स का वैसे तो मुझे ठीक लग रहा है, तो कलर की एक बार कोई ज़रूरत है नहीं, बाकी फ़ॉन्ट साइज है, फ़ॉन्ट साइज अपन 10 पिक्सल कर लेते हैं 10 पिक्सल। ओके फिर इसमें H4 की अपन थोड़ी अलग साइज कर देंगे, मार्जिन टॉप, मार्जिन टॉप अपन
इसका ज़ीरो रखें या ना रखें? ओके, ज़ीरो रखना पड़ेगा ये टॉप पे दोनों। ओके, तो इसको मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। ओके, बराबर हो गया। चलो ठीक है, फिर अपन H4 की अपन को बढ़ानी है, तो यहाँ से पैराग्राफ को हटा देंगे और इसको मैं कर देता हूँ 12 पिक्सल। ओनली मार्जिन को हटाते हैं और टेक्स्ट लाइन को भी हटा देते हैं। ओके, तो लगभग ये यहाँ पे ठीक है। अभी मैं पैडिंग दे देता हूँ इसके अंदर साथ ही एक, जिससे नीचे की तरफ कुछ जगह चली जाएगी। ओके, तो टॉप से मैं पैडिंग देता हूँ 3 पिक्सल, राइट से 0 और बॉटम से मैं 7 दे देता हूँ और लेफ्ट से 0। तो नीचे अपन को जगह मिल गई। लगभग ये कार्ड इसी तरह सेट हो चुका है लगभग, या बस अपन थोड़ा ये कर सकते हैं इसके अंदर, इसका जो कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, बाकी इसके कलर में थोड़ा चेंजमेंट करने वाला हूँ मैं। ओके, इसमें कौन सा चेंज था? ओके, H4 ब्लैक था और जो हमारा पैराग्राफ है वो अपन चेंज करने वाले हैं, तो इसको 5 है 4 डाल देते हैं। चलो ओके, ये बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, इसके बाद हम ये वाला बॉक्स लेंगे, एक्टिविटी वाला बॉक्स, तो इसको कर लेते हैं एडजस्ट अभी। पहले तो इसका कंटेंट डाल लेते हैं इसके अंदर। ओके, तो जस्ट अपन जानते हैं हमारा ये प्रोफाइल कार्ड ख़त्म हुआ है, उसके बाद अपन एक्टिविटी बॉक्स डालेंगे। तो ये यहाँ पे हुआ है, इसके बाद यहाँ पे डिव डॉट एक्टिविटी bx। ओके, तो ये हमारा एक्टिविटी बॉक्स है और इसके अंदर कार्ड्स हैं, ड्यू डॉट एक्टिविटी कार्ड बॉक्स, तो हमें ये 4 लेने, 2 3 4। ओके, ये हो गया। अब इसको स्टाइल करते हैं। ओके, कॉपी, और इसको प्रोफाइल कार्ड तक हटा देंगे अपन, और एक्टिविटी बॉक्स यहाँ पे अपन डाल देंगे प्रोफाइल बॉक्स के जस्ट आगे। ओके, इसको हटा देते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें वेट देंगे अपन 100%, और हाइट देने वाले हैं ऑटो, जितनी इसको ज़रूरत होगी उतनी ले लेगा। बाकी जो हमारे बॉक्स हैं वो इस हिसाब से आने वाले, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, मतलब एक ही लाइन में, अगर मतलब जगह नहीं है एक लाइन माने के लिए, तो ये व्रैप होके नीचे आ रहे हैं, तो इसके लिए अपन को डिस्प्ले तो डालना ही पड़ेगा। तो डिस्प्ले फ्लैक्स, इससे एक लाइन में हो गए और इससे ये बराबर हो जाएंगे, लाइन आइटम सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट अपन कर देंगे स्पेस बिटवीन। ओके, कूल, और एक साथ में डाल देंगे फ्लैक्स व्रैप, व्रैप कि अगर मतलब जगह नहीं है बॉक्स के लिए आगे, तो वो नीचे एडजस्ट कर देगा उसको। चलो इतना हो गया, और मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ जिससे थोड़ा पता तो चले कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ओके, कर रहा है। इसमें मैं मार्जिन दे देता हूँ, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके, कूल, ओके। इसके बाद हमारे पास थे बॉक्स, एक्टिविटी कार्ड बॉक्स। ओके, इनको अपन विड्थ देते हैं, कुछ विड्थ, इनकी विड्थ 115 पिक्सल, और हाइट दे देते हैं इसको 90 पिक्सल। ओके, और साथ ही मार्जिन देनी है, मार्जिन बाद में दे दें, पहले अपन ऐसे करते हैं बॉर्डर देते हैं इसको, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड RGB। इसको चलो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको थोड़ा अलग देते हैं अपन, इसको करते हैं 213, और इस वाले में 218, और लास्ट वाले में अपन कर देंगे 222 222। ओके, और ओपसिटी इसकी अपन डाउन रखेंगे 0.5,
ओके, तो ये हमें बॉक्स मिल गए और इसमें दे देते हैं मार्जिन टॉप, टॉप दे देते हैं इसको 10 पिक्सल। ओके, तो इसने जगह छोड़ दी। ओके, साथ ही बॉर्डर रेडियस थोड़े कॉर्नर है वो थोड़े राउंड हो जाएंगे इसे, तो लगभग 8 पिक्सल दे देते हैं इसको भी, जितने अपन ने ऊपर वाले बॉक्स को दिए प्रोफाइल वाले को उतने इसको दे देते हैं। ओके, फिर देखते हैं इसके अंदर और क्या चाहिए। तो ये सेंटर में है, तो सेंटर के लिए डिस्प्ले वाला यूज कर लेंगे। डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर, और फ्लैक्स डायरेक्शन कर देंगे इसकी कॉलम, क्योंकि एक दूसरे के नीचे चाहिए और सेंटर में चाहिए इसलिए। और साथ ही इसमें ट्रांजिशन दे देते हैं, इस पर कोई ओवर करे तो कुछ इफेक्ट्स होगा, ठीक है ना। तो 0.3 सेकेंड लीनियर, साथ ही इसका कर्सर भी डाल देते हैं पॉइंटर। ओके, तो इसके ऊपर आ रहा है पॉइंटर आ रहा है। ओके कूल, ये हमारा इतना हो गया। इसके बाद और इसके बाद अपन ये करते हैं कि जो जो इस इमेज में दिख रहा है कि फर्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड व्हाइट है, तो इसको व्हाइट करते हैं पहले। तो इसको ही सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, क्या हो गया इसके माउस के। ओके चलो कोई नहीं, इसको ओपन कर देते हैं। नंथ चाइल्ड फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला उसको चेंज करना है, बाकी एज इट इज रहेंगे। ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, बैकग्राउंड दे देते हैं अपन इसको वाइट। ओके कूल, बॉक्स शैडो, इसको बॉक्स शैडो भी दे देते हैं 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, और RGB का देते हैं इसको भी 1 वाला। ओके कूल, थोड़ा सा इफेक्ट्स आ गया। और इसके साथ हमारे पास एक बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को भी सेट करेंगे थोड़ा। तो बॉर्डर को बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर देंगे इसको भी। चलो कूल, तो ये हमारा एडजस्ट हो गया लगभग। और अभी चलो ये तो हो गया, अभी इसके अंदर जो कंटेंट है वो डालते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा है आई वाला, तो आई का आइकन चाहिए अपन को। आई, ओके इसे को ही ले लेते हैं। ओके, साथ में अपन को एक चाहिए H6, कूल, एक्टिविटी। ओके ये हो गया एडजस्ट, कूल ये सेट है। पहले इसको ही सेट कर लेते हैं, बाकी को अपन जस्ट फिर वहां से कॉपी करके आइकन्स वगैरह डाल देंगे सीधे, पहले इनको एडजस्ट कर लेते हैं। चलो पहले ले ही आते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है। ओके, सेकंड वाला हमें चाहिए बोल्ट, बोल्ट ये वाला, कॉपी, ये वाला भी ठीक है। कौन सा वाला, इसमें चेक कर लेते हैं। ओके ये वाला ही है, ये डाल देंगे। ओके, तो ये है मोमेंट्स H6, मोमेंट्स। इसके बाद वाला था फ्रेंड्स वाला, यूजर ग्रुप, ओके इसको भी डाल देते हैं। और इसको अपन टाइप कर देते हैं फ्रेंड्स। और लास्ट वाला जो हमारा, उसमें अपन लेने वाले हैं जो सेटिंग वाला था गियर। ओके हाँ ये वाला। ओके, तो हमारे लगभग आइकन आ चुके हैं इसमें। H6 एडिट प्रोफाइल, ओके तो ये लगभग सभी सेट हो गए हैं। चलो ओके, ये तो बढ़िया है, इसको बड़ा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। ओके, अभी इसको हटा देते हैं यहाँ तक। ओके, इसमें सबसे पहले एक तो हमारे पास आई है इसके अंदर, और एक पैराग्राफ है, नहीं नहीं H6,
ओके, तो इन दोनों को एक साथ ही कर देते हैं, जो इनको सेम चीज चाहिए वो तो दे ही देते हैं। फोन साइज 11 पिक्सल, और साथ ही इसमें कलर कलर इनको दे देते हैं D5, TADA, D5DADE, ये वाला ही है ना। चलो ठीक है, हाँ ये बढ़िया मेरे हिसाब से। और पैडिंग दे देते हैं टॉप से, पैडिंग टॉप से 10 पिक्सल दे देते हैं, 10 पिक्सल। ओके, तो कुछ जगह मिल गई इनको नीचे। ओके, ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड, लीनियर, कूल, इतना हो गया। अभी जो हमारा H6 है, इसका कलर थोड़ा चेंज करते हैं अपन। H6 का करते हैं कलर RGB, इसमें 6 कर देते हैं इसको। ओके कूल, ये हो गया लगभग हमारा। ये आइकन मुझे थोड़े काफी ज्यादा छोटे लग रहे हैं, तो इनको भी बढ़ा ही देते हैं साथ ही। तो फिर ऐसे करते हैं, चलो इसको भी रहने देते हैं कॉपी, इस वाले को 11 और इसको 14 कर देते हैं। ओके चलो इसको ऐसे करते हैं, 20 कर देते हैं, काफी छोटा ही दिख रहा है वैसे भी। ओके चलो ये बिल्कुल ठीक है। ओके इसके बाद होवर करवाते हैं इनके ऊपर, तो एक्टिविटी कार्ड बॉक्स पे अपन होवर करवाएंगे पहले तो। ओके, तो क्या होगा, बैकग्राउंड वगैरह चेंज करवाएंगे इनके पहले तो। बैकग्राउंड बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा, बाकी बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड वाइट, और जो बॉक्स हेड है उसको भी बढ़ा देते हैं 0 पिक्सल 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGB 1। ओके अभी देखते हैं, कूल, ओके इतना हो गया। अभी इसके बाद जो हमारा H6 और I है, उनके भी अपन कलर चेंज करवाएंगे इसके अंदर। इस पे वो रो तब H6 कलर, ओके, और सेम ही आई वाले का करवाने वाले अपन। ओके चलो हो गया। ये इतना काम होने के बाद जो हमारा फर्स्ट वाला एक्टिविटी वाला, इसको अपन एक्टिव करवा देंगे अभी। तो इसके लिए इन दोनों को कॉपी करते हैं। ओके, और इस पे ओवर हटा देते हैं, नन चाइल्ड फर्स्ट, नन चाइल्ड फर्स्ट, ओके कूल। तो ये हमारा ये बॉक्स भी रेडी हो गया है। ओके, तो इस पे अपन ने जो भी बॉर्डर्स वगैरह दे रखे हैं इनको हटा देते हैं। तो एक फर्स्ट बॉर्डर यहाँ पे है, ओके, और एक जो मेन वाला है उसको भी हटा देते हैं। ये कहाँ पे मिलेगा, प्रोफाइल, ओके, तो ये रेडी हो चुका है। इसके बाद वाला बॉक्स अपन तैयार करते हैं अभी। ओके, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो चुकी है, तो इसको भी एडजस्ट करते हैं अपन। तो ये नेविगेशन बार के अंदर है, तो चलो उसको देखते हैं। इनपुट नेवर यूजर, यूजर में, ओके, यहाँ पे दिक्कत है। इसको ये वाला टैग देखते हैं कौन सा था, ये जस्ट पहले H6, ओके,
इस S6 को चेंज करेंगे थोड़ा अभी। S6 हो गया, और फोन साइज 11 पिक्सल। चलो बिल्कुल ठीक है, इसको 12 कर देते हैं। ओके कूल, तो ये हमारा रेडी हो चुका है। और अभी क्या करने वाले अपन कि जो ये दोनों वाले बॉक्स है ना, ये दो बॉक्स हैं, इन दोनों को एक बॉक्स के अंदर लेंगे अपन। ये एक हो गया अलग प्रोफाइल वाला, और इन दोनों को एक बॉक्स के अंदर लेंगे। इनकी कब जरूरत होगी तब रिस्पॉन्सिव करेंगे, तब अपन इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब इसको अगर पहले लाना हो सेंटर में तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे। तो इन दोनों को एक बॉक्स में लेंगे, तो अपन इसको फिर ऐसे करते हैं। इसके अंदर पहले तो ये देख लेते हैं प्रोफाइल बॉक्स, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था ना, और एंड यहाँ पे हो रहा है, तो इसके बाद लेंगे। तो ड्यू डॉट कौन कौन से बच गए हमारे, तो एक तो बच गया पोस्ट वाला और एक है फॉलो वाला। ओके, और इसको भी एक्स कर देते हैं। चलो ओके, इन दोनों के अंदर करेंगे इसको। ओके, तो इसमें मैं पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देता हूँ। ये था प्रोफाइल बॉक्स, तो इसको यहां पे डालना है। ओके, तो सबसे पहले विड्थ विड्थ इसकी ऑटो करेंगे। जैसे ही अपन पोस्ट बॉक्स की बनाएंगे, एक विड्थ अलग से देंगे और फॉलो बॉक्स को अलग से देंगे, तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ओके, तो हाइट भी अपन ऑटो ही रखने वाले हैं, हाइट भी उसी हिसाब से होगी। इसमें बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड 0। ओके, मार्जिन लेफ्ट, तो मार्जिन लेफ्ट इसलिए कि जो प्रोफाइल बॉक्स है उसको थोड़ा सा मार्जिन देंगे अपन, लाइक इसको यहां से कुछ जगह छोड़ के स्टार्ट हो, इसलिए तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट अपन इसको 20 पिक्सल दे देंगे। बाकी दोनों एक ही लाइन में आने वाले हैं, पोस्ट वाला और ये फॉलो वाला, तो डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, तो इनका ये हो गया काम। तो यहाँ पे इसको मिल गई जगह, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला बॉक्स है, ये हमारा फॉलो बॉक्स है, पोस्ट फॉलो बॉक्स। ओके कूल, अभी इसको थोड़ा सा साइड में बनाते हैं अपन। और जो हमारा यहाँ पे जस्टिफाई को अपन ने हटाया था ना, इसको अपन अभी फ्लेक्स एंड कर देंगे, फ्लेक्स एंड। ओके कूल, अभी जो बॉक्स आएगा वो आगे आएगा, ये इधर से रख जाएगा, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा। तो चलो इसके अंदर अपन डालते हैं कौन कौन से बॉक्स चाहिए, वो दोनों डाल देते हैं इसके अंदर। पहला हमारा ड्यू डॉट पोस्ट बॉक्स, और सेकेंड अपन ले रहे हैं फॉलो बॉक्स। ओके चलो कूल, इनको पहले एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, मैं बढ़ा ही लेता हूँ इसको। फर्स्ट वाला पोस्ट था, इसको एडजस्ट करते हैं। इसमें विड्थ इसके लेते हैं 500 पिक्सल, हाइट 100%। ओके, और जो बैकग्राउंड है वो वाइट ले लेते हैं इसका भी, और बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGB फर्स्ट वाला। ओके कूल, साथ ही बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको कितना
कितना दें इसको, एड पिक्सल। ओके कूल, तो ये हमारा पोस्ट वाला हो गया, और साथ ही फॉलो वाले को भी अभी कर लेते हैं फॉलो बॉक्स। ओके तो फॉलो बॉक्स में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो इसकी विड्थ और हाइट ऑटो, बाकी बैकग्राउंड वगैरह की कोई जरूरत है नहीं, वो आगे एडजस्ट कर लेंगे उसके अंदर। ओके तो अभी मैं इसको 10 कर देता हूँ, क्योंकि जिससे हमें हमारा बॉक्स ये वाला दिखे जो भी काम करें अपन। ओके कूल, इसके अंदर काम करने वाले हैं। फॉलो बॉक्स में बस मार्जिन लेफ्ट दे देता हूँ, बाकी और ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं। मार्जिन लेफ्ट 15 पिक्सल। ओके कूल, तो इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट भी कर लेता हूँ साथ ही। ओके तो ये इतना काम हो चुका है। अभी सबसे पहले इसके अंदर अपन लेंगे नया बार, नया इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट, li, एंकर टैग और ट्वीट। ट्वीट्स सेकेंड वाले में अपन डाल देंगे, ट्वीट्स एंड फॉलोवर्स। थर्ड मीडिया और जो लास्ट वाला है लाइक्स। ओके और एक हमें आइकन की जरूरत होगी, तो वो भी अपन ले लेते हैं। मेन्यू, ये वाला। ओके तो ये एडजस्ट हो गया, इसको तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओके कूल, तो पीछे नेविगेशन बार को अपन ने सेट किया था, ये वैसा का वैसा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो इसमें देखते हैं क्या क्या चाहिए अपन को। तो इसमें एक तो नीचे बॉर्डर चाहिए, ओके, और इन पे भी कर्सर ले जाएं तो ये मतलब जो ट्विटर का आइकन है उस कलर के हो जाएं, तो इनको कर देते हैं जल्दी। ओके इस वाले को हटाते हैं, यहाँ पर चाहिए अपन को पोस्ट और नेव। पहले तो नेविगेशन बार। ओके तो नेविगेशन बार में बॉर्डर रेडी है सबसे पहले, तो टॉप से एड पिक्सल, एड पिक्सल, और नीचे से दोनों साइड 0 पिक्सल। ओके कर्व हो गया, और बॉर्डर बॉटम। ओके तो ये रखने वाले हैं 1 पिक्सल सॉलिड RGB 1 वाला। ओके नीचे बॉर्डर भी मिल गया अपन को, और हाइट अपन इसकी रख लेते हैं 10%। ओके अभी ये ठीक है कुल मिला के। इसके बाद जो LI है हमारे, सीधे LI पे ही आ जाते हैं, बाकी तो काम हो चुका है अपना वैसे ही। तो LI में अपन क्या एडजस्ट करने वाले हैं कि एक बॉर्डर देते हैं नीचे, बॉर्डर बॉटम 3 पिक्सल सॉलिड ट्रांसपेरेंट। अभी ये नहीं दिख रहा, ओके कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज अपन करते हैं, जैसे मैं इसको एक बार दे ही देता हूँ कुछ। ओके अभी दिख रहा है, अभी जो आइकन्स हैं ये जो मतलब टेक्स्ट हैं ये इधर से स्टार्ट हो रही है फर्स्ट से, पहले तो इनको सेंटर में करते हैं। सेंटर के लिए अपन करेंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, या एक चीज और भी कर सकते हैं साथ ही अपन, चलो ये नहीं करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके ये भी इसमें नहीं होगा, इसको करने के लिए अपन को एंकर टैग में जाना पड़ेगा,
फिर ये होगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ओके ये यहाँ पे भी नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट अपन यही अपनाते हैं हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स वाला। ओके कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट वो भी सेंटर। ओके क्या दिक्कत आ रखी है इसमें, ये एक साइड से जा ही नहीं रहे वैसे तो। ओके मेरे हिसाब से इसमें दिक्कत आ रही है, कोई पैडिंग है पहले से इसके अंदर कोई, तो पहले अपन इस पैडिंग को ही एडजस्ट कर देते हैं इसके अंदर। इसको मैं कर देता हूँ ऊपर नीचे से 3 और लेफ्ट राइट से 0। ओके चलो पैडिंग ही थी, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिन राइट में देता हूँ 10 पिक्सल। ओके कूल। ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड लीनियर। ओके तो ये वाला तो एडजस्ट हो गया। ओके अभी इस पे होवर होगा किसी पे भी तो इसका कलर चेंज कर देंगे अपन। H1CA। ओके और ऊपर वाले को मैं अभी कर देता हूँ ट्रांसपारेंट। ओके कूल ये काम कर रहा है। ओके तो ये बॉर्डर अपन को नीचे चाहिए थोड़ा, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें जो हमारा एंकर टैग है इसमें पैडिंग डाल देंगे, कुछ पैडिंग। इसमें पैडिंग ऊपर नीचे से 12 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 10। ओके अभी देखना। ओके कूल ये हो गया एडजस्ट। और ये सेंटर भी हो चुका है। ओके अगर आप में नहीं हुआ आप वाले में कोई दिक्कत है तो टेक्स्ट लाइन यहाँ पे सेंटर कर देना, ये सेंटर हो जाएगा फिर यहाँ से। अगर नहीं हुआ तो ऊपर वाले से भी नहीं हुआ तो इससे हो जाएगा। चलो मैं वैसे तो ये तो हो ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके साथ ही मैं ऐसा करता हूँ जो इसके लिए जितने भी आइकन्स है ना, आइकन्स नहीं टेक्स्ट, इनका भी कलर चेंज करवा देते हैं ओवर होने पे। कलर ओके कूल। अभी आप सोच रहे होगे कि ट्रांजिशन वगैरह क्यों नहीं दिए, क्योंकि ये पहले से लगे हुए तो वापस देने की कोई ज़रूरत है नहीं, जो पीछे वाला अपन ने नेविगेशन यूज़ किया है इसके अंदर। ओके तो ये हमारा नेविगेशन भी सेट हो चुका है। अभी अपन एक बॉक्स और बनाते हैं ओके, जिसके अंदर हमारी जितनी भी पोर्ट्स पोस्ट वगैरह होंगी वो रहेंगी। उससे पहले मुझे ऐसे लग रहा है कि इस आइकन को भी थोड़ा सेट कर देते हैं। ओके इस आइकन का अपन करते हैं आई, तो इसका सबसे पहले तो कलर है वो अपन देते हैं 6 वाला, कर्सर पॉइंटर और ट्रांजिशन है वो 0.3 सेकेंड लीनियर। ओके और अभी कोई इस पे होवर करता तब इसको फुली ब्लैक कर देंगे, इस चीज को हटा देंगे। कूल ओके तो ये भी हमारा एडजस्ट हो चुका है, इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं थोड़ा अच्छा दिखेगा जिससे। कूल अभी हमारा आगे वाला स्टार्ट करते हैं जो अपन पोस्ट बॉक्स लेने वाले हैं। ओके तो इसमें डालते हैं पोस्ट मैन बॉक्स नेविगेशन के जस्ट बाद डिव डॉट पोस्ट मैन
बॉक्स बीएक्स। ओके, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ी इस वाले को बनाने के लिए। अभी जो ऊपर वाला जो नेविगेशन बार है वो अपन को यहीं पे ही रखना है, और नीचे वाला स्क्रॉल होगा, जैसे नीचे अगर कोई पोस्ट होगी तो वो स्क्रॉल हो, लेकिन ये ऊपर ना जाए हमारा नेविगेशन बार, नेविगेशन बार यही रहेगा और बाकी ये स्क्रॉल होते रहेंगे। इसलिए एक बॉक्स अलग से बनाया है, बस उसी को स्क्रॉल करवाएंगे अपन, ना कि पूरे बॉक्स को। ओके, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। ओके, तो इसको एडजस्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो ये हमारा नैव था, नैव के जस्ट बाद है हमारा पोस्ट में, पोस्टमैन बॉक्स। ओके, ओके okay, तो इसके अंदर विड्थ सबसे पहले तो जितनी इस बॉक्स की है उतनी लेंगे, और हाइट अपन इसकी लेने वाले 90%, क्योंकि 10% अपन ने नेविगेशन बार को दे दिए। ओके okay? तो कूल cool, इसको भी एक बॉर्डर दे देता हूँ, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ओके, तो ये हमारा एडजस्ट हो चुका है। ओके कूल, और मैं इस वाले बॉक्स को हटा देता हूँ, जो ऊपर हमारे बॉक्स है जो बॉर्डर लगे हुए हैं उनको, कहाँ कहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है, प्रोफाइल बॉक्स, प्रोफाइल बॉक्स एक तो पहले जो मैन हमारा सर्च बार इनपुट बिफोर, एक तो ये लगा हुआ जो ये मैन वाला था वो हट गया, और बाकी हमारे पोस्ट वाले के थे जो भी है डेटा, कार डेटा, कि यहाँ पे मुझे लगा बॉर्डर ये भी कोई दूसरा बॉर्डर ही है। ओके ओके, जो अभी ये लगा हुआ है, ये जो अपन ने अभी लगाया है वो वाला है, तो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ, कोई ज़रूरत है नहीं, आपको पता चल गया कि ये 90% अभी, चलो इसको भी हटा देते हैं। ओके कुल इतना होने के बाद इसके अंदर हमें चाहिए एक पोस्ट कार्ड जिसमें हमारी पोस्ट आए, जैसे ये वाला एक बॉक्स है ना, इस बॉक्स के अंदर ये एक पोस्ट आ रखी है, फिर सेकेंड वाली आ रखी है, तो ऐसे अपन को एक कार्ड भी चाहिए, तो अपन एक कार्ड ले लेते हैं इसके अंदर ड्यू डॉट। ओके, जिसका नाम रखते हैं अपन पोस्ट कार्ड बॉक्स। ओके, इसके अंदर हमारा जितना भी कंटेंट होगा वो आएगा। मैं ऐसे करता हूँ, वैसे तो ज्यादा बाहर निकल गया। ओके, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया इसको, जो हमारी जितनी भी क्लासेस थी वो लाइन बाय लाइन आ गई, क्योंकि आगे काफी जगह हो गई थी, मतलब काफी बड़ा दूरी तक चला गया था तभी। ओके, तो ये हमारा हो गया पोस्ट कार्ड। ओके, तो इसके अंदर क्या करने वाले हैं अपन, जो विड्थ है वो तो सेम ही है, 100 ही लेंगे इसके भी, और जो हाइट है वो अपन रख देंगे ऑटो, क्योंकि पता नहीं कि पोस्ट कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसके अंदर कंटेंट कितना भी बड़ा हो सकता है। ओके, इसमें बॉर्डर, चलो इसमें ऐसे करते हैं बैकग्राउंड दे देते हैं, वैसे तो वाइट ही है इसका। ओके, और साथ ही पैडिंग देते हैं, पैडिंग इसलिए कि मतलब कुछ जगह छोड़ के हमारा ये कंटेंट आए, साइड बाय साइड चारों तरफ से ये जगह छोड़ देगा कुछ ना कुछ। ओके, तो इसको करते हैं ऊपर नीचे से, ऊपर से 12 कर देते हैं, ऊपर से 12 पिक्सल, और राइट से 15। बॉटम में इसलिए नहीं दे रहा कि जैसे आगे वाला बॉक्स आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 12 12 24, तो मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी पैडिंग, तो इसलिए 12 ही देंगे, और नीचे वाले को बॉटम को 0, जैसे ही नेक्स्ट वाला कार्ड आएगा वो अपनी 12 वहाँ पे आ जाएगी उसकी भी। ओके, और राइट लेफ्ट वाले को 15 दे देते हैं। ओके चलो कूल, डिस्प्ले फ्लैक्स,
ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक तो ये वाला है जहां पे हमारा प्रोफाइल दिखेगी, तो एक बॉक्स अपन ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे, ओके। तो ये अलग अलग बॉक्स रहेंगे दोनों, तो इसलिए एक ही लाइन में चाहिए, तो इसलिए मैंने डाल दिया है डिस्प्ले फ्लेक्स। ओके, तो अभी इसके अंदर कौन सा चाहिए अपन को? एक डिव जो प्रोफाइल बॉक्स है, तो पोस्ट प्रोफाइल, ओके। पोस्ट प्रोफाइल में मैं एक इमेज डाल देता हूं, इमेज यूजर PNG, ओके। तो इमेज आ गई, जो ये पोस्ट प्रोफाइल है उसको अपन दे देते हैं इसके अंदर विड्थ, इसको विड्थ देते थे ओनली 10%, 100 का 10%। और इसके अंदर जो इमेज है इसका जो अभी अपन ने डाला है उसको एडजस्ट कर देंगे थोड़ा, तो इसमें अपन 35 ले लेते हैं, हाइट भी 35 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस अपन इसमें 50%, ओके। चलो ये हो गया एडजस्ट, ओके। अभी अपन सेकंड वाला इसका बॉक्स बनाते हैं, नेक्स्ट वाले का रखेंगे अपन नेम। तो ये हमारा प्रोफाइल यहाँ पे हो गया, और डिव डॉट कंटेंट, इसके अंदर जो बाकी का बचा हुआ कंटेंट वो आएगा। प्रोफाइल को हटा देते हैं, ओके। तो यहाँ पे विड्थ कितने दें इसको? ऊपर वाले को 10% दी थी, बाकी बची है वो 90, वो डाल देते हैं। साथ ही बॉर्डर, बॉर्डर देता हूँ इसमें 2 पिक्सल सॉलिड RGB 1, ओके। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल 10 पिक्सल, ओके। लेफ्ट राइट से दिया मैंने, यहां से कुछ जगह छोड़ेगा और यहां से भी छोड़ेगा, ऊपर नीचे से नहीं छोड़ेगा, ओके। तो यहां तक ये एडजस्ट हो चुका है, ओके। तो इसमें फर्स्ट वाला बॉक्स कौन सा था? ओके, रीट्वीट वाला है, तो इस वाले को बनाते हैं पहले, इस आइकन को, और ये रोनाल्डो रीट्वीटेड आ रहा है तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें H6 लेंगे अपन, और इसको क्लास दे देंगे अपन री ट्वीट, कूल। आइकन की जरूरत होगी तो वो ले लेते हैं, ओके। ये वाला रिपीट, और साथ में डाल देते हैं रोनाल्डो ट्वीटेड, ओके कूल। तो ये हो गया कॉपी, इसको करते हैं एडजस्ट, ओके। तो इसमें सबसे पहले कलर RGB 3 वाला देंगे इसमें, बाकी जो फ़ॉन्ट साइज़ की वो करते हैं 11 पिक्सल। बाकी ये एक ही लाइन में, लेकिन इनको सेंटर करेंगे, तो इसके लिए डिस्प्ले फ्लेक्स डाल देंगे, बाकी अलाइन आइटम सेंटर डाल देंगे, ओके कूल। और जो इसके अंदर आइकन है रीट्वीट के अंदर आइकन हमारा आई, उसको भी थोड़ा एडजस्ट करते हैं, इसमें फोन साइज को अपन 10 पिक्सल कर देते हैं, ओके। और मार्जिन राइट 5 पिक्सल, हो गया एडजस्ट, ओके कूल। इसके बाद इसमें ये बनाएंगे अपन, जैसे जाहिद खान यूजर हो गया, फिर उसका यूजर नेम और ब्लूटिक्स, ये एक बॉक्स हो गया इधर, और एक बॉक्स ये हो गया,
और ये दोनों एक बॉक्स के अंदर होंगे। तो चलो उसको कर लेते हैं एडजस्ट, इसमें अपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन को चाहिए एक H5, जिसमें मैं टाइप कर देता हूँ जो नेम आने वाला वो खान। ओके, इसी के अंदर मुझे एक इमेज चाहिए, इमेज मतलब आइकन चाहिए, यहाँ पे जो ब्लू टिक वाला है, ब्लू टिक, और जहाँ से इमेज खत्म हो रखा है वहां पे अपन एक वो डाल देंगे पैराग्राफ टाइप, तो वो रहेगा @KDS_coder। ओके, इतना चीज हो गया। ओके, और एक दूसरा हमें क्या चाहिए, एक H6 और, ओके, जिसके अंदर एक आइकन होगा जो टाइम वाला, टाइम, ओके, इसमें देख लेते कौन सा, ओके, ये वाला, तो ये डाल देते हैं। और साथ ही मैं डाल देता हूँ 25 मिनट्स। ओके, ये दोनों एडजस्ट हो गए, लेकिन इस इन दोनों को भी एक बॉक्स में करना है, एक को लेफ्ट साइड में रखना है और एक को राइट में। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ड्यू डॉट नेम रख लेते हैं, पहला तो एक है यूजर इसमें, फिर नेम मान लो और फिर टाइम मान लो, टाइम। ओके, हो गया, कॉपी। सबसे पहले तो इसको ही एडजस्ट कर देते हैं, रीट्वीट वाले को हटा देते हैं, बाकी इसको लगा देंगे यहाँ पे। ओके, तो इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन। ओके, ये हमारा एडजस्ट हो गया इतना। इसके बाद H5 है, इसके बाद तो उसके लिए भी ये तीनों चीजें तो चाहिए, क्योंकि इनको भी एक ही लाइन में लेके आना है इधर, तो यहाँ पे अपन डाल देंगे H5। ओके, हो गया एडजस्ट। बाकी इसमें जो चेंज करना है वो कर देते हैं। एक तो फोन साइज चेंज करनी है अपन को, तो मैं उसको 13 पिक्सल, और फोन वेट इसका कर लेते हैं अपन 600, और मार्जिन दे देते हैं टॉप से कितना दें, 5 पिक्सल। ओके, ये एडजस्ट हो गया लगभग। और इसके बाद इसमें ये छोटी वाली इमेज H5 के अंदर ही है ये इमेज भी, तो इसको विड देते हैं 15 15 पिक्सल। बाकी मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ओके, इतना हो गया। और इसके बाद जो पैराग्राफ है उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा, इमेज को हटा देते हैं, पैराग्राफ 12 पिक्सल, कलर इसका RGB 3। ओके, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ओके, तो ये एडजस्ट हो गया दोनों तरफ से। बाकी हमारा बचा H6 जो टाइम वाला है, 4 मिनट डॉक्यूमेंट, ओके, इसमें था हमारा H6, इसको हटा देते हैं। इसमें कलर ब्लैक और फॉन्ट वेट 500, इसमें फॉन्ट साइज भी दे देते हैं 10 पिक्सल। ओके, काफी इतना, या इसको ऐसे करते हैं 600। ओके, कूल, और इसको 11 कर देते हैं।
हाँ अभी बिल्कुल ठीक है। अभी इसके अंदर एक आइकन भी था, तो इसका भी फोन साइज थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, 12 पिक्सल, और मार्जिन राइट राइट साइड से देंगे, जहाँ पे हमारा 25 मिनट लिखा हुआ है उसको दे देंगे 3 पिक्सल। ओके, तो ये लगभग यहाँ तक बिल्कुल सेट हो गया। इसके बाद इसके अंदर एक कंटेंट वाला बनाते हैं, यहाँ पे हमारा यूजर वाला हो गया खत्म। तो यहाँ पे अपन एक H3 लेते हैं और टाइप करते हैं वेरी गुड वर्ड्स। ओके, तो इसको कर लेते हैं एडजस्ट। थ्री सबसे पहले फोन साइज 11 पिक्सल, फॉन्ट वेट 500। ओके कूल, और वर्ड ब्रेक्स भी मैं कर देता हूँ ब्रेक ऑल, कि मतलब ये मतलब इसके अंदर कंटेंट कितना भी बड़ा हो सकता है तो ये मतलब बराबर रहेंगे, जैसे यहाँ पे ये देख लो। ओके, जैसे ये एज वाला अगर बड़ा होता है ये एज वाला, तो ये यहाँ से हटके नीचे आ जाता। ओके, और साथ ही मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके कूल, ओके ये भी हो गया। इसके बाद जो ये रीट्वीट वाला बॉक्स है ये बनाएंगे अपन। ओके, तो ये वाला डाल देते हैं इसके अंदर ड्यू डॉट। ओके, रीट्वीट कंटेंट बी एक्स। ओके, इसके अंदर वो वाला आएगा जो रीट्वीट वाला है। ओके, यहाँ पे डाल देते हैं S3 की जगह इसको। विड्थ 100%, हाइट ऑटो, पैडिंग है वो अपन रख लेते हैं 5 पिक्सल 10 पिक्सल। बॉर्डर रखते हैं अपन 2 पिक्सल सॉलिड, RGB 1 वाला। ओके, साथ ही बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके, ये हो गया एडजस्ट। अभी इसके अंदर जो कंटेंट आएगा वो डाल देते हैं अपन। ओके, तो डाल देते हैं इसके अंदर, इसमें ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है, इस वाले बॉक्स को उठा के इसमें डाल देंगे अपन, और नीचे वाले में डालना है इसको यहाँ पे। ओके, तो इसमें और इसमें क्या फर्क है, ऊपर वाले में और इसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी यहाँ पे एक इमेज आने वाली है वो अपन इमेज लगा देंगे इसमें। बाकी नीचे एक अपन इसके अंदर एक S3 ले लेंगे, सेम ही है। कूल, तो ये कर लेते हैं एडजस्ट। क्या क्या था, ओके कहाँ गया, ओके ये रहा। इससे पहले तो एक इमेज डाल देते हैं अपन, इमेज IMG user2। ओके, और इसके जस्ट आगे अपन डाल देते हैं क्रिश्चियनो ANO, ANO आता है। ओके हाँ, क्रिश्चियनो रोनाल्डो। ओके, ये एडजस्ट हो गया। आगे ब्लू टिक्स हैं,
इसमें ब्लूटिक्स था या नहीं था? ओके, इसका ब्लूटिक है नहीं, तो ब्लूटिक अपन हटा देते हैं अभी। और जो इसका यूजर नेम है वो कर देते हैं रोनाल्डो। ओके, और इस वाले में टाइम है उसको 1 आवर कर देते हैं। बाकी एक H3 की जरूरत थी अपन को, तो ये भी ले लेते हैं साथ ही। तो इसमें अपन कोई डमी टेक्स्ट डाल देंगे, लोरियम 20। ओके, तो ये तो अपने को ज्यादा ही डाल दिया, इसको थोड़ा कम कर देते हैं। ओके कूल, अभी इस इमेज को ठीक करते हैं थोड़ा। और इसकी जो क्लास है इसमें यूजर नेम भी डाल देते हैं साथ ही। फिर इसके अंदर H5 के अंदर इमेज H5 और IMG। IMG भी अपन यहाँ पे कौन सी करेंगे, फर्स्ट वाली? अगर मतलब एक से ज्यादा अगर इमेज हो तो वो दोनों खराब हो जाती हैं, तो इसलिए इसको एडजस्ट करेंगे। इसको हमेशा याद रखना कि अभी मतलब इस बॉक्स में तो 1 इमेज है, अगर इसकी मतलब ये ब्लू टिक्स भी साथ होता तो ये दिक्कत करता। तो अपन इसको नन चाइल्ड फर्स्ट कर देंगे इसको यहाँ पे, और यहाँ पे इसको एक वीड दे देंगे 25 पिक्सल, हाइट भी दे देंगे 25, और बॉर्डर रेडियस है वो अपन इसको 50%। ओके कूल, मार्जिन राइट 10 पिक्सल, चलो ये भी हो गया एडजस्ट टोटली, ये भी हो गया। इसके बाद अपन बनाएंगे इसके अंदर, चेक करते हैं। ओके ट्वीट डेटा बनाएंगे इसके अंदर, ट्वीट कार्ड सोशल डेटा। ओके इससे ही बना लेते हैं इस नेम से। ओके तो ये रीट्वीट वाला यहां तक हो गया, ड्यू डॉट ट्वीट कार्ड सोशल डेटा। ओके ओके, और इसके अंदर कुछ कार्ड्स भी डाल देते हैं, ड्यू डॉट इसको कर देते हैं ट्वीट सोशल कार्ड। ओके तो ये 4 चाहिए अपन को। ओके इनफ इतना, कॉपी के इसकी जरूरत है नहीं। यहाँ पे ये क्लास सोशल डालते हैं इसको। ओके तो एक ही लाइन में चाहिए सभी कार्ड्स, जैसे इसमें दिखा रखा है, यहाँ पे कमेंट का है, यहाँ पे रीट्वीट वाले हैं, जो भी। ओके तो डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर देंगे। ओके मार्जिन टॉप 15 पिक्सल। ओके ये हो गया, और इसके बाद हमारे कार्ड्स हैं। तो एक मैं कार्ड उठा लेता हूँ यहाँ से। ओके तो कार्ड की विड्थ देते हैं 4 है, तो 25% दे देंगे।
बाकी ये सेंटर में चाहिए तो इसी को ही कॉपी कर लो और इसको यहाँ पे डाल दो, लास्ट वाले का चेंज कर दो, ओनली इसको सेंटर कर दो। ओके, और पैडिंग भी दे देते हैं इसमें थोड़ा, 5 पिक्सल। ओके, अभी इसके अंदर कंटेंट वगैरह डालते हैं अपन। ओके, तो कंटेंट में डालते हैं अपन यहाँ पे। ओके, सबसे पहले आइकन, तो आइकन ले आते हैं यहाँ से। कमेंट आइकन चेक कर लेते हैं, ये वाला ही है फर्स्ट वाला। ओके, साथ ही डाल देता हूँ मैं एक स्पेन, इसमें 38। नेक्स्ट वाला रेट वेट वाला था, रिपीट। स्पेन इसके अंदर डालते हैं 68। बाकी ये हार्ट, हार्ट कॉपी पेस्ट, स्पेन इसमें 629। बाकी लास्ट वाले में कुछ डाला नहीं है, ये शेर वाला है, इसमें बस एक आइकन ही आएगा और तो ज्यादा कुछ है नहीं। शेर कॉपी, तो इसको भी डाल देते हैं। चलो ओके, ये हो गया। अभी पहले तो ये एक साइज में नहीं आ रहे हैं, इसको चेक करते हैं, ये तो रॉन्ग नहीं है अपना। रीट्वीट इसके बाद ही था ये। ओके, चलो देखते हैं क्या दिक्कत होगी इसमें। ओके, दिक्कत मिल गई, ये रीट्वीट वाले में डाल दिया था अपन ने पहले, इसको हटाना पड़ेगा। और ओके, अभी बिल्कुल ठीक है, चलो कूल, ये हो गया हमारा एडजस्ट। अभी क्या करते हैं कि यहाँ पे बॉर्डर्स चाहिए अपन को, तो सेकंड वाले में दोनों तरफ दे देते हैं और थर्ड वाले में एक तरफ दे देते हैं, तो ऐसे ही करते हैं। डॉट नंथ चाइल्ड सेकेंड, इसमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर लेफ्ट 1 पिक्सल, सॉलिड आरजीबी 1। ओके, ओ ब्रोम हो गया, तो 0.1। ओके कूल, साथ ही एक राइट का भी डाल देते हैं इसमें, राइट, और एक और ले लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में लेफ्ट वाले को हटा देते हैं, बाकी काम हो जाएगा। ओके, बिल्कुल ठीक हो चुका एकदम। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या हमारा आई, तो इसको एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसको हटाओ और इसके अंदर है आई, तो इसको करते हैं सबसे पहले। तो इसमें कलर आरजीबी 2 वाला देते हैं इसको, और मार्जिन राइट साइड 5 पिक्सल, और फ़ॉन्ट साइज इसको देते हैं 14। ओके कूल, इसके बाद हमारा स्पेन, स्पेन में क्या जरूरत है, सबसे पहले तो फ़ॉन्ट साइज इसकी थोड़ी अलग करनी पड़ेगी, इसको 13, और फ़ॉन्ट वेट इसको कर देते हैं
500। ओके गुड, ये हो गया। और मैं जो ये थर्ड वाला हेड वाला था इसको मैं रेड कर देता हूँ। सॉरी माउस में कुछ दिक्कत हो चुकी है, पता नहीं। नन चाइल्ड थर्ड, इसमें मैं इसको कर देता हूँ कलर इसका रेड, देखते हैं कैसा लगता है। ओ नो, आई का करना है इसके अंदर। ओके बड़ा प्यारा लग रहा है। ओके तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी एक नई पोज डालते हैं इसके अंदर। लाइक मैं पहले इसको छोटा कर लेता हूँ, थोड़ा दिक्कत कर रहा है ये माउस भी। ओके तो ये हमारी पोस्ट यहाँ से शुरू हुई थी। ओके इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ओके अभी नेक्स्ट वाले में क्या चाहिए अपन को? इसमें फर्स्ट वाला नहीं चाहिए, ये चाहिए। ओके ठीक है, और रीट्वीट वाले को प्रॉपरली हटा देते हैं इसमें। तो इसमें रीट्वीट का कौन कौन सा था? एक तो ये वाला पार्ट है रीट्वीट का, इसको हटा देते हैं। और एक फर्स्ट वाला है, इसको भी हटा देते हैं। ओके कूल। और इसमें ओके कुछ लाइन लिखी हुई है वो डाल देते हैं। टू डे ऑन दिवाली, जयपुर इज डेकोरेटेड लाइक ए ब्राइड। ओके तो ये अपन ने एक ट्वीट कर दिया। और अपन को इसके अंदर इमेज डालनी है, तो एक इमेज का बॉक्स और बनाते हैं अपन अलग से। तो यहाँ पे क्लास डालते हैं डिव डॉट इमेज पोस्ट बॉक्स। ओके ओके ये बिल्कुल ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ 2 आवर्स। ओके बाकी बिल्कुल ठीक है। और कुछ और चेंज करना है? ओके ये वाला करना, नीचे वाला वो भी कर देते हैं। 120, 128, 283। फोर पॉइंट सिक्स या कोई और भी है तो आप डाल सकते हो, ऐड लिखा हुआ, चलो ऐड डाल देते हैं इसमें। ओके ये बिल्कुल ठीक हो गया। और यहाँ पे हमारी इमेज आने वाली है, इसको वापस उतना ही कर लेते हैं और बड़ा भी कर लेते हैं साथ ही। ओके तो यहाँ पे तो इसमें सबसे पहले कमेंट तक अपन इसको हटा देते हैं, और जो अपन ने जो क्लास बनाई वो डाल देते हैं यहाँ पे। और इस बॉक्स में विड्थ 100% चाहिए, और जो हाइट है ऑटो डिस्प्ले फ्लेक्स, क्योंकि जो इमेज है इसमें देखो एक लाइन में आ रखी है, तो डिस्प्ले फ्लेक्स मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके कूल अभी जो हमारी इमेजेस हैं वो डाल देते हैं इसके अंदर। IMG, ओके IMG में IMG फर्स्ट सेकेंड, शायद ये WEBP वाली है। ओके और थर्ड वाली है JPG। ओके तो यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है, इन इमेज को सेट करते हैं।
इमेज, विथ और हाइट देना पहले तो इसका, तो वो इसको दे देते हैं 130 पिक्सल और इसको 90 कर देते हैं। ओके कूल, हो गया एडजस्ट। बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल और मार्जिन राइट 5 पिक्सल। ओके कूल, ये भी हमारा एडजस्ट हो चुका है। और इसमें अपन, अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, के लगाना ज़रूरी है। ओके तो ये पोस्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है। ओके अभी एक पोस्ट और डालते हैं इसके अंदर। इस पोस्ट में क्या होगा कि इस इमेज वाले को भी हटा देंगे, और यहां पर मैं लगा देता हूं लोरियम 30। ओके ये नॉर्मली पोस्ट है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको भी चेंज कर देता हूँ, किसी और की पोस्ट बना देता हूँ अभी अभी के लिए। चलो इसको एडजस्ट कर। ओके तो यहाँ पे आइकन वगैरह चेंज करते हैं इसके। यूजर 4, ओके इसका कुछ पोस्ट डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। तो वैसे तो मुझे तो नहीं डालना चाहिए, लेकिन मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोफाइल मतलब जाहिद खान की खुल रही है, लेकिन पोस्ट अलग आ रही है। कर लेना एडजस्ट, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लेना। मेरा तो काम आपको समझाना है, वो मैं समझा दूँ आपको। प्रेसिडेंट बिडेन, इतनी स्पेस कहाँ से आ गई? ओके क्या हो गया ये? ओके अभी ठीक है। और यहाँ पे इनका ओके, तो मैंने लगभग यहाँ पे ये डाल दिया है। इसको मैं, इसका टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 4 आवर कर देता हूँ। और कुछ नीचे का डेटा, उसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। इसको मैं बढ़ा देता हूँ। ओके कूल, अभी ये लेकिन नीचे स्क्रॉल हो रखा है, अपन को स्क्रॉल नहीं करवाना इसको। यहाँ पर ये मतलब यही बॉक्स स्क्रॉल हो यहाँ पे, इतना ही, तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं पहले। ओके तो ये बॉक्स कौन सा था हमारा? यूजर नेम, कंटेंट, पोस्ट, फॉलो बॉक्स के अंदर था ये पोस्ट वाला। ओके पोस्ट, ओके ये यहाँ पे है। ओके तो इसमें ओवर फ्लो ऑटो, ओके स्क्रॉलिंग आ गई, और इस स्क्रॉलिंग को भी थोड़ा सेट करते हैं अपन। वेब किट, स्क्रॉल बार, विड्थ इसमें मैं 5 पिक्सल, और बैकग्राउंड इसका रखते हैं RGB। चलो ये वाला भी ठीक ही है। ओके साथ ही बॉर्डर रेडियस
20 पिक्सल। ओके, अभी साथ में एक बार थंब और ले लेता हूँ, थंब अपन यहाँ पे डाल देंगे लास्ट में, थंब। और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 3, चलो 2 ही कर देते हैं, ये तो काफी ब्लैक हो गया। ओके, ये बिल्कुल ठीक दिख रहा है। ओके, ये भी दिक्कत आ चुकी है, इसको हटा लो और इसको यहाँ से भी। ये पोस्ट वाला नहीं था, पोस्ट के अंदर कोई और बॉक्स है, वो वाला है, फॉलो बॉक्स, पोस्ट, नेव। ओके, ये तो फुल वाला हो रहा है, पोस्ट नेव के बाद था कुछ। ये वाला है। पोस्ट पोस्ट मैन बॉक्स यहाँ पे डाल देते हैं इन दोनों को। ओके, और यहाँ पे डाल देते हैं ओवरफ्लो ऑटो। ओके, अभी ये वाला बॉक्स ही होगा ऊपर नीचे। और साथ ही मैं एक काम और करता हूँ, इसके अंदर विजिबिलिटी भी डालता हूँ, विजिबिलिटी हिडन। अभी ये स्क्रॉल दिखाई नहीं देगा, ये कब दिखाई देगा, जब इसके ऊपर होवर होगा तब। ओके, इनको कर देते हैं विजिबल। और ये विजिबल कब होंगे, जब इन पे होवर होगा तब। ओके, कूल। ओके, तो ये हमारा लगभग तैयार हो चुका है, पोस्ट वाला बॉक्स भी। अभी अपन फॉलो वाला बॉक्स बनाएंगे, अपन जो अपन ने नीचे बनाया था, ये फॉलो बॉक्स जो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं दो बॉक्स बनाता हूँ, पहला हमारा ट्रेंड वाला होगा, ट्रेंड फॉर UBX, जो देखो इसके अंदर अपने ले रखा है ट्रेंड फॉर यू और एक यू शुड फॉलो। ओके, तो एक ये वाला भी बनाई देते हैं साथ ही, चलो इसकी भी अपन को जरूरत पड़ेगी आगे, ये क्लास भी रहने देते हैं। चलो BX को भी हटा ही देता हूं मैं। ओके, इसमें एक क्लास और डालता हूं, यू शुड फॉलो। ओके, तुम्हारे पास ये दो मिल गए। अभी एक काम और करता हूं, अभी इस पूरे बॉक्स को सेंटर में भी ले आते हैं, सेक्शन नेव फ्लेक्स एंड। ओके, इसको करना अपन को सेंटर में। अभी जो यहाँ पे बॉक्स आएगा वो बनाने वाले, तो वो इसमें प्रोफाइल बॉक्स था और एक था फॉलो वाला, तो उसको भी ढूंढना पड़ेगा, फॉलो बॉक्स। चलो यहाँ पे तो एक्टिविटी वाला चल रहा है, फॉलो बॉक्स ये वाला, तो इसकी थी, इसकी भी 230। सॉलिड ब्लैक इतना काफी है, या इसको 50 पे डाल दें, चलो 50 पे ही डाल देते इसको। ओके, कूल, ये हो गया हमारा। और इसमें चेंज कहाँ तक करना है, पोस्ट तक। अभी ये क्या है हमारा, फॉलो BX, और जो इसके अंदर है वो हमारी प्रोफाइल
क्लासेज हैं, तो इनको मैं कॉपी करके डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले विड्थ 100%, हाइट ऑटो, बैकग्राउंड वाइट, बॉक्स शैडो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 20 पिक्सल, RGB 1, और साथ ही बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल। ओके, अभी दिखाई नहीं दे रही, जैसे ही कंटेंट डालेंगे तो वो आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले इसके अंदर क्या करना, अपन को एक नया लेते हैं, नैव इसके अंदर डालते हैं। नैव नैव में सबसे पहले H6 ट्रेंड्स फॉर यू, और एक आइकन लेते हैं। तो आइकन अपन गियर वाला लेंगे, गियर। ओके, चलो ये यहाँ पे आ गया, कूल। तो ये किस में है, नेविगेशन बार में, नेव, नेव की विड्थ। ओके, ये रखेंगे पैडिंग, पैडिंग ऊपर नीचे से 12 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 15। ओके, ये भी एडजस्ट हो गया। और अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। पहले ऐसे करते हैं अपन, जो इसके अंदर H6 है ना उसको एडजस्ट करते हैं। फॉन्ट साइज 12 पिक्सल, या बढ़ा के 13 कर देते हैं। कलर ब्लैक, पैडिंग 0। ओके, तो ये अभी एडजस्ट हो गया। ओके, इसको 12 ठीक था ये। ओके, चलो कूल। इसके बाद ये दोनों सेट हो गए। ऊपर वाले में बॉर्डर रेडियस मैं डाल देता हूँ, इसमें बॉर्डर रेडियस कितना डालें, बॉर्डर रेडियस 8 पिक्सल, 8 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। ओके, राउंड हो गया। और साथ ही मैं एक बॉर्डर भी डाल देता हूँ, बॉर्डर बॉटम सॉलिड RGB का फर्स्ट। ओके, कूल। और इसकी हाइट अपन रखते हैं, हाइट इसकी कितनी रखें, हाइट को अपन यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे 15। चलो 15 ही कर देते हैं। ओके, ये हो गया यहाँ तक। अभी अपन नेविगेशन के बाहर के बाद अपन एक बॉक्स लेते हैं, डिव डॉट, जिसके अंदर हमारे ये जितने भी ट्रेंड है ये आने वाले, वो वाला बॉक्स। ओके, तो ट्रेंड बॉक्स। ओके, इसके अंदर ट्रेंड आएंगे, तो इसमें देखते हैं किस किस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अंदर यहाँ पे एक मेन बॉक्स रहेगा, और साथ ही एक बॉक्स यहाँ पे। ओके, चलो मैं समझाता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। तो मैं इसमें एक क्लास लेता हूँ रेट नेम से, रेटिंग। ओके, एडजस्ट मान लो रेट या रेटिंग। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर मैं ले रहा हूँ एक LI लिस्ट आइटम, एंकर टैग। एंकर टैग में अपन डालते हैं कोल्ड प्ले, और BR डाल के अपन नीचे डाल देंगे
937 के ट्वीट्स। ओके ये हो गया कूल। ओके और एक इसके अंदर आइकन डालते हैं च्यूरॉन बॉटम। ओके यहां पे मैं इसको डाल देता हूं लास्ट में। ओके इसके बाद अपन इसको स्टाइल करते हैं पहले। ओके मैं वो हटा देते हैं और इसमें है ट्रेंड बॉक्स। तो इसमें विड्थ 100% और जो पैडिंग है हाइट भी इसकी मैं चलो हाइट ऑटो कर देते हैं। पैडिंग है ना वो कर देते हैं 15 पिक्सल टॉप से राइट से भी बॉटम से 0 बाकी लेफ्ट से 15। ओके कूल। इसके बाद एल आई इसके अंदर। ओके तो लिस्ट आइटम को पहले तो नन करते हैं। ओके डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके और इसमें भी मैं एक पैडिंग दे देता हूँ ऊपर नीचे से 5 पिक्सल लेफ्ट राइट से 0। ओके अभी बिल्कुल ठीक है। और इसके अंदर फिर हमने लिया था एक एंकर टैग। ओके एंकर टैग पहले तो टेक्स्ट डेकोरेशन को नन करेंगे। कूल फॉन्ट साइज इसकी 12 पिक्सल। ओके और फॉन्ट वेट इसमें अपन डाल देते हैं 600 थोड़ा बोल्ड कर देंगे इसको। और कलर इसका अपन ब्लैक रख लेंगे। ओके तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास एक है पैराग्राफ। तो उसका सबसे पहले तो कलर RGB 4 वाला लेते हैं अपन इसमें। और इसकी फोन साइज को मैं 10 कर रहा हूँ और वेट इसका 500। ओके कहाँ पे दिक्कत आ गई। ओके ओके इसको पैराग्राफ के अंदर डालना था मुझे। ओके डन ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद जो आइकन है लास्ट वाला इसको भी थोड़ा सा एडजस्ट कर ही लेते हैं। ये माउस थोड़ा दिक्कत कर रहा है काफी ज्यादा ही कर रहा है अभी तो। एल आई था एल आई के अंदर आई तो इसका ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी फोन साइज को थोड़ा बढ़ा देंगे अपन। इसको 12 कर देते हैं मतलब थोड़ा इसका छोटा करना था। चलो हो गया। लगभग ये होने के बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ आपको। इसमें अपन एक रेटिंग वाला बॉक्स बनाएंगे। जैसे मतलब इस आइकन पे क्लिक होगा तब तो वो बॉक्स खोलेगा। इसमें आप ये बता सकते हो आप इस मतलब ट्रेंड पे इंटरेस्ट है या नहीं है तो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। ये अपन आगे नेक्स्ट वीडियो में जावास्क्रिप्ट में करेंगे। इस वीडियो में लगभग डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे बाकी आगे वाले में रिस्पॉन्सिव बनाएंगे इसको और जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करेंगे इसके अंदर। ओके तो एक बॉक्स और ले लेते हैं इसके अंदर डिव डॉट इंटरेस्ट। ओके
इंटरेस्ट की मीनिंग मेरी सही है, स्पेलिंग यहाँ पे ये आने वाला है। ओके इसके अंदर मैं ले रहा हूँ टू बटन्स। ओके कूल, और इनको भी मैं एक क्लास दे देता हूँ जो जावास्क्रिप्ट में काम आएगी, स्माइल और फ्रॉन। ओके इसमें आइकन देते हैं तो स्माइल वाला, कॉपी। ओके एक फ्रॉन वाला ले लेते हैं इसमें। ये वाला ओके इसको भी यहाँ पे डाल देते हैं। अभी इसमें और क्या डालना अपन को? स्टडी इंटरेस्ट इंटरेस्टेड, और इसमें कर देते हैं नॉट इंटरेस्टेड। क्या हो गया, स्पेलिंग ही नहीं आ रही आज तो, क्या दिक्कत हो रखी है? एसटीईडी सही है शायद। ओके चलो ठीक है, ये दोनों हो गए, अभी इनको भी एडजस्ट करते हैं। अभी ट्रेंड बॉक्स में रेट के अंदर बटन बटन को स्टाइल कर लेते हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए अपन को, आउटलाइन भी नहीं चाहिए, बैकग्राउंड भी नहीं चाहिए। ओके कूल, मार्जिन राइट 5 पिक्सल, कलर आरजीबी 6 वाला दे देंगे इनको। ओके ट्रांजिशन पॉइंट 3 सेकेंड, लीनियर, और कर्सर इनको दे देते हैं पॉइंटर। ओके और साथ ही कर देते हैं एक होवर। होवर करने पे ये हो जाएगा फुली ब्लैक। ओके कूल, इसके बाद जो आइकन्स हैं उनको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। मार्जिन राइट 5 पिक्सल। ओके तो ये लगभग सेट हो गया इधर। ओके अभी इस बॉक्स की ज़रूरत है नहीं, वो हमारे जावास्क्रिप्ट में काम आएगा। तब इसको क्या करते हैं अपन, स्कोर रेट के अंदर है ये, इसकी क्लास क्या थी, ये वाली उठा लो और यहाँ पे डाल दो। अभी क्या करते हैं, हाइट इसकी 0 करते हैं और ओवरफ्लो हिडन। ओके अभी ये दिखाई नहीं दे रहा, जावास्क्रिप्ट पे अपन इस पे क्लिक करवाएंगे तब ये शो करेगा पर्टिकुलर। ओके तो ये हमारा बॉक्स था। अभी एक ट्रेंड और लेते हैं इसके अंदर, ये ट्रेंड डाल देता हूँ मैं, कैन विलियमसन। ओके और इसको कर देता हूँ मैं 1.60 के ट्वीट्स। बाकी ठीक है, इसके बाद वाला मैं डालता हूँ एक
कोनवेगा, कोनवे, और यहाँ पे डाल देते हैं 5.15 के। एक और डाल देते हैं ऋषभ पंत का, इसके अंदर 5.15। ओके तो ये तीनों आ गए, और वो भी आपको दिखा देता हूँ, अगर ये नहीं होता तो ये सभी के नीचे इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड वाले। ओके कूल। अभी इसके अंदर अपन एक बटन भी देने वाले हैं इस बॉक्स के हमारे जस्ट नीचे, तो जहाँ पे भी हमारा ट्रेन बॉक्स जो खत्म हो रखा है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे देंगे। चलो यहाँ पे ही देते हैं बटन सी मोर। ओके अभी इसको भी ठीक करते हैं, इसको मैं क्लास दे देता हूँ। क्लास सी मोर। कि इसको यहाँ तक हटा देता हूँ रेड तक। ओके इसको यहाँ पे डालते हैं, और विड्थ इसकी 100% करते हैं, बॉर्डर नन, बैकग्राउंड भी नन, आउटलाइन भी नन, बाकी कलर देते हैं इसको RGB 4। ओके ये दिक्कत हो गई फिर तो, जस्ट ऊपर वाले में आएगा इधर ये। कूल ओके फ़ॉन्ट साइज 11 पिक्सल, फ़ॉन्ट वेट इसका 600 डाल देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल 0 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बिल्कुल ठीक है ये सेंटर में ही है। और इस पे भी एक ट्रांजिशन भी लगा देते हैं साथ ही 0.3 सेकेंड लीनियर, और कर्सर डाल देते हैं पॉइंटर। ओके अभी इस पे कोई क्लिक करेगा मतलब होवर करेगा तब ये ब्लैक हो जाएगा। ओके तो ये हमारा तैयार हो चुका ट्रेंड वाला, और इसके बाद हमारा कौन सा था, यू शुड फॉलो। ओके ये वाला, तो इसके बाद ये वाला बनाते हैं अपन। इसके अंदर एक नेविगेशन बार, इसको ही कॉपी कर लेते हैं जो पहले वाले का है, इसमें ये वाला कॉपी जिसे दिखे बॉक्स हमारा, और इसमें इस टाइटल को मैं चेंज कर देता हूँ ओके। अभी इस आइकन को चेंज करते हैं, इसमें मुझे चाहिए रिफ्रेश वाला, ओके तो आइकन भी आ चुका हमारा, और इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको डालते हैं यहाँ पे।
इसको भी हटा देते हैं। ओके यहाँ तक। अभी इसमें क्या करना है, अपन को मार्जिन टॉप देनी है, बाकी ऑटोमेटिक आ रखा है पीछे से। जैसे जो अपन ने पीछे किया है इसके अंदर, और इसमें इसकी क्लास लगा दी थी अपन ने, जो लगभग सेम हो गया है नीचे वाला। बस अपन को तो इसमें डेटा है उसको ही स्टाइल करवाना है, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर। ओके तो इसके अंदर एक बॉक्स लेते हैं, है उसके बाद ड्यू डॉट फॉलो बॉक्स। ओके इसके अंदर भी दो तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें एक इमेज, फिर यूज़र नेम, फिर फॉलो। तो इमेज और यूज़र नेम पहले तो एक बॉक्स में लेंगे अपन, ओके, और इसको एक अलग लेंगे, बाकी इन दोनों को फिर एक बॉक्स में लेंगे। समझ गए? चलो नहीं समझे तो मैं करके दिखाता हूँ, तो समझ आ जाएगा। ओके तो एक बॉक्स लेना है ड्यू डॉट, जिसके अंदर क्या आएगा, फॉलो बटन, ओके, और प्रोफाइल नेम, ओके। पहले इसको कर लेते हैं एडजस्ट। तो हमने लिया यहां पे फॉलो बॉक्स, ओके, ऑटो, हाइट भी ऑटो इसका, और ये चाहिए एक ही लाइन में, तो डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन, ओके। थोड़ा मार्जिन देना है तो वो 5 पिक्सल ऊपर से, और 15 0 15, ओके। अभी आपको दिखाता हूँ। ओके तो ये आ गया सेंटर में, बिल्कुल ठीक है। ओके अभी अपन को क्या करना है, जो आगे बॉक्स हमारा कौन सा वाला है, फॉलो प्रोफाइल नेम, इसको सिलेक्ट करना है। इसमें एक मैं डालता हूँ इमेज, चलो इसमें पहले एक इमेज डालते हैं, IMG, और इमेज इसमें अपन डाल देते हैं user1, ओके। और साथ ही मैं एक इसकी क्लास भी डाल देता हूँ, फॉलो प्रोफाइल, ओके। या इसके आगे भी लगाना चाहो तो क्लास आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आइटम तो ये हो गया इसके अंदर। सेकेंड वाला आइटम हमारा है एक ड्यू डॉट यूजर नेम, ओके। इसके अंदर है ड्यू, इसको मैं एक क्लास दे देता हूँ यूजर, यूजर नेम और फॉलो, ओके। इसमें है सबसे पहले S6, मैं इसमें डाल देता हूँ MS धोनी, DHONI, ओके कूल। यहाँ पे इमेज आ गई, बाकी यहाँ पे एक इमेज और डालते हैं जो ब्लू टिक है, तो आइकन ब्लू टिक, ओके। ये चीजें मिल चुकी है। इसके बाद जो यूजर नेम है वो भी चाहिए, तो वो भी इसी के अंदर चाहिए, ओके। ओके थोड़ा दिक्कत कर दिया मैंने, नहीं, चलो सब ठीक है। ओके एट द रेट
एमएस धोनी। ओके, तो हमें ये चीजें मिल चुकी हैं, इनको पहले एडजस्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसमें फॉलो प्रोफाइल नेम, इसको कॉपी कर लो और जस्ट यहां पे डाल दो। ओके, सबसे पहले इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सभी सेंटर में होने चाहिए। ओके, एक लाइन में आ गए। मार्जिन टॉप 10 पिक्सल। ओके, जो इसके अंदर इमेज है IMG, उसको एडजस्ट कर लेते हैं 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, और बॉर्डर रेडियस 50 पिक्सल, 50%। ओके, ये भी हो गया लगभग कंप्लीट। इसके बाद क्या हमारा यूजर नेम, तो इसको कॉपी करेंगे और प्रोफाइल नेम के जस्ट बाद इसको लगा देंगे। इसका करते हैं, इसके अंदर पहले तो मार्जिन लेफ्ट देते हैं, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल। ओके, थोड़ी स्पेस मिल गई इसको। बाकी इसके बाद ये वाला हमारा यूजर नेम फॉलो कॉपी, ये इसके अंदर है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो कलर इसका अपन ब्लैक रखेंगे, बाकी डिस्प्ले फ्लैक्स और अलाइन आइटम्स हैं वो सेंटर करेंगे। ओके, एक लाइन में आ गई है सभी। कूल, ओके, इसमें ये वाली दिक्कत है, ये जो एट द रेट आ रखा है शायद अपन इसको एक ही जगह ले आए, इसको थोड़ा ओके, ये इस ड्यू से बाहर रहेगा। इसको हटाओ और इसको वापस ओके, ये इसके अंदर है, यहां पे ये नीचे रहेगा, ये दोनों एक साथ रहेंगे। ओके, तो यूजर नेम फॉलो अपन ने कॉपी कर लिया। ओके, इसके बाद H6, हमारा H6 है, इसको करते हैं एडजस्ट। S6 इसमें भी कलर ब्लैक, पैडिंग 0, और जो विड्थ है वो इसको देता हूं 70%। ओके, ये भी मैं बताऊंगा कि इसको 70% ही क्यों दी है। फॉन्ट साइज 11 पिक्सल या 12 कर देते इसको। ओके, कि मतलब कोई जैसे MS धोनी है, ये एक छोटा वर्ड है, ठीक है, तो अगर काफी बड़ा आ जाए जैसे केन विलियमसन बड़ा गया, तो फिर उसका क्या होगा, मतलब उस नेम का, या तो वो सीधा क्रॉस करके निकल जाएगा इनके ऊपर से, ओके, या डॉट डॉट आ जाएंगे ऐसे। यहाँ पे देखो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कर रखा है यहाँ पे इस हिसाब से। ओके, तो इसके लिए ओवरफ्लो हिडन, ये 70% से बाहर जाता है तब वो इसको करेगा, ठीक है। व्हाइट स्पेस इसको देते हैं नोम व्रैप,
इसमें नो रैप। इसको भी हटा देते, ये वाला ठीक है। ओके, और टेक्स्ट और फ्लो इसको करते हैं एलिप्स। ओके ये हो गया, ये ऑटोमेटिक अब कर देगा। अगर मतलब बड़ा यूजर नेम है तो इसको एडजस्ट। ओके इसके बाद जो इमेज है उसको करेंगे अपन। इमेज उसमें विड्थ इसकी 15, हाइट भी 15 पिक्सल। ओके कूल, ये हो गया। और इसके बाद है एक पैराग्राफ, तो वो है यूजर नेम के अंदर यहाँ पे पैराग्राफ, जो नीचे ये आ रखा ना यूजर नेम, ये वाला पी। ओके तो इसमें क्या करना अपन को, इसमें फॉन्ट साइज 11 पिक्सल, कलर इसको देना है RGB 4 वाला, और फॉन्ट वेट 600। ओके ये भी एडजस्ट हो गया, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको 100 ही कर देते हैं। ओके और इसमें मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल। ओके अभी ये ठीक है, अभी चेक करते हैं ये, मतलब अगर नाम कितना बड़ा हो तब दिक्कत करेगा। ओके तो काफी बड़ा हो गया, 80%, 70, 60, 40 तक रखते हैं। ये तो दिक्कत हो गई, ये कैसे एडजस्ट कर रहा है इसको। कोई नहीं, अपन इसको ऐसे करते हैं, इसको कुछ विट ही विट दे देते हैं पिक्सल्स में। इसको मैं कर देता हूँ 100 पिक्सल, कि ये भी नहीं दे सकते, परसेंटेज में ही देना पड़ेगा, इससे ये ब्लू टिक्स हैं ये दिक्कत करेगा। इसको फिर ऐसे करते हैं, जो ये बॉक्स है ना उसकी साइज को बढ़ा देंगे अपन, जैसे ये वाला था यूजर नेम वाला, ये वाला बॉक्स, इसकी विड्थ को कर देंगे अपन 70%। ओके और जो ये वाला है इसको 100% करेंगे। अभी देखते हैं इसको कहाँ तक एडजस्ट करेगा ये। ओके अभी ये काफ़ी बड़ा है, अभी इसको करते हैं छोटा 70। ओके और भी कर देते हैं इसको 50, 40, 40 तो नहीं, 45, चलो 50 कर देता हूँ फिर इसको। ओके तो यहाँ तक ये एडजस्ट कर लेगा इस चीज़ को। ये वापस दिक्कत करने लगा है, इसको 100 ही कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके अभी ठीक है, ये अभी बढ़ा के देख लो इसको। ठीक है, ज़्यादा वो नहीं है, अगर ये ज़्यादा दिक्कत करेगा तो ऊपर वाले को कम करना पड़ेगा अपन को। ये 70 है, इसको 65 कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। ओके अभी इसको कम करते हैं 60। ओके 55, ओके कूल, यहाँ तक ये बिल्कुल ठीक है अभी। ओके
दिक्कत तो ये अभी भी की है, तो इसको कर देते हैं मिनिमम विड्थ, अभी नहीं कर पाएगा। चलो ये हो गया एडजस्ट। इसके बाद ओके, तो इसके अंदर फिर अपन एक डालते हैं बटन, बटन इसका नेम रख लेते अपन फॉलो। ओके नीचे क्या करते हैं, फॉलो बॉक्स तक इसको हटा लेते हैं। ओके, और यहां पे डाल देते हैं बटन। ओके, इसमें बॉर्डर नहीं चाहिए, एक तो आउटलाइन नन, पैडिंग देते हैं इसको ऊपर नीचे से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 12 पिक्सल, 12 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका ये वाला, और कलर अपन वाइट दे देते हैं इसको। ओके, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल, और फॉन्ट साइज है वो अपन इसके कर देते हैं 10 पिक्सल। ओके कूल, ये हो गया। और इसको एक ट्रांजिशन भी दे देते हैं 0.3 सेकेंड लीनियर। ओके, इसको कंप्लीट लेना है इसको। ओवर, ओके 0.5, यहाँ पे कर्सर पॉइंटर, कूल ये हो गया। और बाकी के जो हमारे और फॉलो बॉक्स हैं उनको भी अपन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इमेज 2 JPG, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ओके, इसका मैं यूजर नेम डाल देता हूँ रोनाल्डो, ओके बड़ा है, चलो इसको छोटा कर देंगे कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा और, ओके तो यहाँ पे लास्ट अपन ले लेते हैं विराट कोहली। कोहली आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ विराट कोहली। ओके, तो ये एडजस्ट हो गया। और यहाँ पे इसको 3, ओके अभी बिल्कुल ठीक है। अभी उसका देखते हैं ये फॉलो वाले में क्या दिक्कत आ रखी है। वापस हमारा कौन सा था, इतना भी ऊपर नहीं है। यहाँ पे मिलेगा ऊपर जस्ट ये वाला। को करते हैं मिनिमम ओके। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि
जो इसका जो मेन बॉक्स है ना, ये वाला ओके, ये वाला फॉलो प्रोफाइल नेम, तो इसके अंदर ये सभी हैं फॉलो प्रोफाइल नेम, इसके अंदर ये सभी हैं। तो इसकी विड्थ को अपन एडजस्ट करेंगे पहले, तो इसकी विड्थ यहाँ पे 40 पिक्सल है, इसको मैं कर देता हूँ 60%, इस बॉक्स की 60%। वो इसको नहीं, ओके इसको नहीं, यहाँ पे अपन देने वाले हैं इस वाले बॉक्स को विड्थ, इसकी दे देते हैं 60%। ओके कूल, 60% देते ही ये लगभग काम करना शुरू हो गया। और जो यहाँ पे इसको हटा दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐड ही कर दो। ओके, और इसको भी आप ऐड ही कर सकते हो, या 100 रखो तो 100, कोई दिक्कत नहीं, 100 भी ठीक है, अभी बिल्कुल ठीक है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। कूल, और यहाँ पे जो इमेज है, मार्जिन टॉप 0, या पैडिंग होगी 0, ओके कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये होने के बाद अपन करते हैं इसको, ओके सेंटर है, कोई दिक्कत नहीं है सेंटर। ओके, तो ये हमारा काम लगभग हो चुका है, और जो इसका बॉर्डर है इसको हटा देते हैं अपन, बॉर्डर शायद नीचे कहीं पे दे रखा है इसको। फॉलो बॉक्स यहाँ पे भी नहीं है, के बॉर्डर नहीं मिल रहा, क्या दिक्कत हो गई? ये बॉक्स है एलिप्स, इसके अंदर तो नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। फॉलो बीएक्स, ओके ऐसे करते, पहले ऊपर वाले का हटा देते हैं, इसका मेन बॉक्स है ना, इसका हटाते हैं पहले। सेक्शन बटन रेट के, इससे भी पहले ट्रेड एलआई नेव, इमेज पोस्ट, इसके बाद वो सेक्शन। ओके, तो इसको ऐसे तो ये मिल नहीं रहा, इसको ऐसे करते हैं स्पेक्ट, और ये वाला है ओके, इसको कॉपी कर लो और इसको फाइंड पे लगा दो। ये वाला है ओके, हो गया एडजस्ट। बाकी इसके अंदर अपन एक बटन और बनाने वाले हैं, जो लास्ट में बनाएंगे, इससे भी यहाँ पे फॉलो बॉक्स है, और इसके बाद यहाँ पे जस्ट बटन सी मोर, ओके सी मोर, ओके तो ये आ गया, तो इस बटन को एडजस्ट करते हैं। क्लास को कॉपी कर लो और बाकी इसको नॉट फॉलो बॉक्स यहाँ पे, ओके तो इसमें भी, इसमें पहले तो वेट देते हैं इसकी 100%,
बॉर्डर नन, आउटलाइन नन, पैडिंग एट पिक्सल, 12 पिक्सल, और चलो इसको पैडिंग तो एक बार देखते हैं, पैडिंग की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे तो। ओके कलर देते हैं इसको, अभी अपन इसको देते हैं RGB 4। ओके बैकग्राउंड नन, चलो पैडिंग भी दे देते हैं ओपन एच से 10 पिक्सल, बाकी 0 पिक्सल। ओके इसके बाद ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड लीनियर, और कर्सर दे देते हैं इसको पॉइंटर। इसको ओवर करवाते हैं, ओवर को ब्लैक कर देते हैं। ओके तो लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको जावास्क्रिप्ट से कंट्रोल करेंगे, जैसे लाइक करवाना हो गया, या इनको जैसे ओपन इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड वाला हो गया, और बाकी इसको रिस्पॉन्सिव बनाएंगे जस्ट आगे वाले में। तो ओके आज के लिए इतना काफ़ी है, वैसे भी काफ़ी बड़ी हो चुकी है वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।